well, guys. Greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say, your life is a bed of roses. Well, if I'm audible properly, then do let me know after that. I'm just going to start my session. Ek bar meri awaaz ho, check kar lijiyega. Agar sab kuch theek thaak hai, to aap mujhe batayega. Uske baad mein hum log shuru kar lete hain. Ji bilkul. Here we go for a mahamarathon of one word substitution. यानी कि जिन बच्चों ने मिस कर दिया था कल, उन बच्चों के लिए एक बार फिर से हम लोग एक लेकर आए हैं महामैराथन, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा. जी देखिएगा, अगर मैं मुद्दे की बात आपसे करूं तो बहुत सारे आप लोगों के कॉल्स एंड मैसेजेस आए कि सर हमारा छूट गया, हम नहीं थे, हम प्रेजेंट नहीं थे, तो एक बार फिर से आप करवा दीजिए. तो कल वाला सिलेबस भी इसी के अंदर होगा और आज वाला सिलेबस भी इसी के अंदर होगा, तो एक बार रुक कर लीजिएगा. हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The very first question is right here on your screen. स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है. एक बार देखिएगा और फटाफट जवाब लगाइएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. चलिएगा, द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब. किसी अरब का हाउस या शेल्टर को क्या बोला जाता है, एक बार फटाफट जवाब लगा दीजिएगा. बिल्कुल, डेवर, बरो, कॉन्वेंट या डेरी, एक बार फटाफट बताइएगा. नरेश ढागा, नमस्कार भाई. चलेगा, मनु दुबे, गुड आफ्टरनून भाई. साकेत कादन, गुड नून. और रमेश राजन, नंदिनी आपका स्वागत है बेटे. चलिए शुभम, वेलकम आपकी. मैंने वीडियो देखी थी भाई, बड़ी ही अच्छी बना रखी थी, थैंक यू डियर. चलेगा. यश सामरवाल, गुड नून. और नरेश ढाका, चलेगा. फर्स्ट का सी आप लोगों ने लगा दिया है. देखिएगा, अभी मुद्दे की बात यही है कि बेटे थोड़ा सा ध्यान से आप जवाब लगाइएगा. यहाँ पर जो ए है, ये हमारा डावर बोला जाता है. क्या? डावर. एंड डावर इज द राइट आंसर. ये हाउस या शेल्टर यानी कि रहने का स्थान होता है किसी अरब का, यानी कि जो अरब कंट्री में रहने वाला होता है उसका, ठीक है, उसको डावर बोला जाता है. बरो हमारा एक छेद होता है, होल होता है, जो कि जमीन में किसी क्रीचर के द्वारा खोद दिया जाता है. कॉन्वेंट आपने स्कूल्स भी सुने होंगे. एंड हाउस फॉर नंस भी होता है, हाउस ऑफ नंस, जहां पर नंस रहती हैं उसको भी क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं. डेयरी किसके लिए होती है भाई, काउस के लिए होती है या बफलोज के लिए होती है, तो इसको डेयरी बोला जाता है. यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है. तो ए ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा, ठीक है. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नहीं, 11 सेट्स के बाद भी होगा भाई, 11 सेट्स के बाद भी होगा, फटाफट करेंगे हम लोग. अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ, यानी कि प्लेजर और हेल्थ के रीजन से जहां जिस जगह पर लगातार जाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, फैटिक बोला जाता है उसको, बूथ बोला जाता है, स्क्लरी बोला जाता है, या रिजोर्ट बोला जाता है, एक बार फटाफट बताइएगा मुझे. चलेगा, आयुष आपका स्वागत है भाई, वेलकम. कृष्ण सांगवान इज देयर, स्वागत है जी आपका. चलिए फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा. पैडिक, बूथ, स्लरी या रिजोर्ट, क्या बोला जाता है? अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ. देखिएगा, बिल्कुल सेकंड का ए आपने लगा दिया नंदिनी बेटे, ये तो गलत कर दिया आपने. पैडिक नहीं बोला जाता है, पैडिक नहीं होता है, उसको हम लोग रिजोर्ट बोलते हैं. लक्ष्मा का वेलकम भाई. बिल्कुल, डिम्पल ने सही जवाब दिया है. अंशिका यानी कि आयुष ने और साकेत ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है. लक्ष्य ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया है. रिजोर्ट बोला जाता है उसको. जो स्लरी होती है वो हमारी एक जगह होती है, एक रूम होता है किचन के साथ वाला, जहां पर डिशेस या यूटेंसिल्स वगैरह धोए जाते हैं, बिल्कुल उसको स्लरी बोला जाता है भाई. अगर मैं बूथ की बात करूं तो बूथ हमारा सिंपली कोई स्टॉल होता है जहां पर चीजें बेची जाती हैं. आपको जैसे बूथ लगे हुए नजर आएंगे शहर में, तो उसको बूथ बोला जाता है. आपके मिल्क प्लांट हो गए, मतलब दूध के बूथ हो गए हैं, या कोई और साजो सामान हो गया है, तो बूथ का मतलब एक छोटा सा स्टॉल होता है. पैडिक जो होती है, पैडिक क्या होती है, पैडिक आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके जवाब दीजिएगा. वो वाले बच्चे जो जिन्होंने कल वाला हमारा सेशन अटेंड करा था, एक बार फटाफट लिख करके मुझे जवाब दे दीजिएगा. व्हाट डू मीन बाय पैडिक, पैडिक का मतलब क्या होता है, ठीक है. हाउस रेस कोर्स से पहले एडजॉइनिंग इनक्लोजर होता है, एडजॉइनिंग इनक्लोजर होता है, ठीक है. लेकिन फिर भी आप लोग एक बार विस्तारपूर्वक जवाब दीजिएगा. चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है. देखिएगा, अ प्लेस वेयर फिश आर कैप्ट, जगह जहां पर फिश को रखा जाता है, और यहां इसको फिशेस नहीं बोलते, खाली फिश बोलते हैं. तो भाई जहां पर मछलियों को रखा जाता है उस जगह को क्या बोला जाता है, एक्वेरियम, डावर, डेन या फोम, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा. चलिएगा, एक बार फटाफट अपना जवाब लगा लीजिए, उसके बाद में देखते हैं किसका जवाब सही लगता है. बिल्कुल, चलिए चलिए, बिल्कुल हर्षिता सिंह पिछले का रिजोर्ट आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है बेटे. चलिए चलिए,
अ प्लेस वेयर फिश आर कैप्ट. आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स. फटाफट एक बार जवाब दे दीजिएगा. ए हाउस, अ प्लेस वेयर फिश आर कैप्ट, जहाँ पर फिश को रखा जाता है. एक्वेरियम है, डावर है, डेन है या फॉर्म है. फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. डेन जो होती है ये रेस्टिंग प्लेस होता है फॉर वाइल्ड एनिमल्स. बिल्कुल भाई, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है. बिफोर रेस, यानी कि इनक्लोजर एडजॉइनिंग होती है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है. किससे पहले भाई? रेस से पहले. डिम्पल बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई, चलिएगा. यहाँ पर आप लोगों ने एक्वेरियम लगाया है, तो एक्वेरियम बिल्कुल सही जवाब है. एक्वेरियम इज द राइट आंसर. आपने ऑफिस के अंदर देखा होगा, वहाँ पर शीशे का बना हुआ एक टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, जिसके अंदर क्या होती है, मछलियाँ वछलियाँ होती हैं भाई, तो उसको हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं. और डेवर हमारा है प्लेस और फॉर शेल्टर फॉर एन अरब. अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था, तो एक्वेरियम इज द राइट आंसर, चलेगा. फोर्थ क्वेश्चन आ गया भाई, फटाफट एक बार देखिएगा. अब सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, ऐसा पदार्थ जो कि जर्म्स को मारता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या अगर बोली जाए तो यार, मतलब किलिंग ऑफ जर्म्स भी आप इसको बोल सकते हो. क्या भाई? किलिंग ऑफ जर्म्स भी इसको बोला जा सकता है. किलिंग ऑफ जर्म्स भी बोला जा सकता है. देखिएगा, साइड आएगा, साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग होता है. साइड जिस भी वर्ड के पीछे आएगा उसका मतलब किलिंग होता है. लेकिन अभी बात हो रही है जर्म्स को मारने की, तो थर्ड का यहां पर आपने लगा दिया है. फोर्थ का लगाइएगा, शाबाश. डिम्पल ने फोर्थ का भी लगाया है, मनु दुबे ने फोर्थ का भी लगाया है, और आपने बिल्कुल सही जवाब लगाया है. जर्मिसाइड, जो फैट्री साइड होता है वो क्या होता है? फैट्री साइड जो होता है, किलिंग ऑफ ब्रदर होती है भाई, ठीक है. किलिंग ऑफ ब्रदर जो होती है उसको फैट्रिसाइड बोला जाता है. होमिसाइड जो होती है, किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन, होमिसाइड बोली जाती है. और जर्मिसाइड है ये, बिल्कुल किलिंग ऑफ जर्म्स बोली जाती है. बिल्कुल सही है. नन को यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल. तो हियर वी गो फॉर बी. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब लगाया एकदम से. चलिएगा, फिफ्थ आ गया डियर्स स्क्रीन के ऊपर. फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा. एनीथिंग दैट हैज लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, जिसके अंदर लाइफ होती है उसको क्या बोला जाता है? फटाफट करें क्योंकि ये रिवीजन भी है हमारी. चलिए, एनीथिंग दैट हैज लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, फटाफट बताइएगा. इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा मैराथन आएगा, उसके अंदर इन सेट्स के अलावा आगे करेंगे भाई. और मोर देन 500 हमने क्वेश्चंस करने हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों की एकदम से डिमांड आई. आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों को पहले बताया गया था कि भाई संडे को महा मैराथन होगा, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पाए थे. फिफ्थ का भी आपने यहाँ लगा दिया, एनिमेट. बिल्कुल भाई, एनिमेट बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है. एनिमेट इज द राइट आंसर. एथिस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई? नास्तिक होता है. एथिस्ट, एथिस्ट को क्या बोलते हैं बेटे? नास्तिक बोलते हैं. एक्सेसिबल, जहां तक जिस तक हमारी पहुंच हो, ठीक है. और नन यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा. चलिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार देख लीजिएगा. अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, बताइएगा एक बार फटाफट. अ नंबर ऑफ पिकॉक्स को हम लोग बोलते क्या हैं? जी बिल्कुल, बता दीजिएगा एक बार फटाफट. अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोला जाता है? चलिए, फिफ्थ का भी सही था, लेकिन अभी हम लोग सिक्स्थ में आ गए हैं भाई. सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, एक बार फटाफट बताइएगा. अ नंबर ऑफ पिकॉक्स इज कॉल्ड व्हाट. आई होप मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही होगी. चलिए चलिए चलिए, सिक्स्थ का बी, बबी आपने लगा दिया है. बिल्कुल सही जवाब लगाया भाई, बबी. पैक अगर बोला जाए तो पैक क्या होता है? पैक का मतलब बंडल होता है. बंडल हो गया या झुंड हो गया, पैक ऑफ वॉल्व्स बोला जाता है, ठीक है. भेड़िया जो होते हैं, भेड़िए होते हैं ना वॉल्व्स, उनका जो झुंड होता है उसको पैक बोला जाता है, ठीक है. लीप का मतलब क्या होता है? उछलना होता है भाई, ठीक है, उछलना होता है लीप का मतलब. बबी इज द राइट आंसर फॉर अ नंबर ऑफ पिकॉक्स. और मस्टर अगर बात की जाए तो ये गैदरिंग होती है, खासकर किसकी? मिलिट्री पर्सन की होती है भाई, ठीक है. चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब आपने लगाया है. हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट बताइएगा एक बार. अ नंबर ऑफ सोल्जर्स को बोला क्या जाता है? वेदर इट इज कॉल्ड गैंग, आर्मी, रॉप और क्लंप. फटाफट एक बार बता दीजिएगा, फटाफट एक बार बता दीजिएगा. जी बिल्कुल, बताइएगा एक बार फटाफट. थोड़ी सी और एडजस्टमेंट में कर लेता हूँ यहाँ पर. चलिए, फटाफट बताइएगा भाई. चलिए,
नंबर ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड वॉट? सेवेंथ का बी आपने लगा दिया है, आर्मी। चलिए सेवेंथ का बी अगर आपने लगा दिया तो आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ना, जो ये गैंग होती है किस किस की होती है भाई, जो ये ए ऑप्शन में लिखा गया है गैंग किस किस की होती है, ये हमारे जो कल्प्रिट्स होते हैं, अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी तो गैंग होती ही है, साथ में नेता लोगों का जो कलेक्शन होता है उसको भी गैंग बोला जाता है, स्लेव्स जो होते हैं, गुलाम जो होते हैं, उनके कलेक्शन को भी हम लोग गैंग बोलते हैं। आर्मी जो होती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये किसकी किसका नंबर होती है? नंबर ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोप हमारा रस्सा होता है, क्लम्प का मतलब क्या होता है भाई? क्लस्टर होता है, यानी कि जिसको हम लोग झुंड बोलते हैं। क्या भाई? जिसको हम लोग झुंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि आर्मी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई। चलिए एट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा। अ सेट ऑफ बेल्स प्लेस्ड टुगेदर फॉर अ ट्यून टू बी प्लेड ऑन देम, ये टू बी प्लेड ऑन देम यहां पर रह गया, तो मैं लिख देता हूं टू बी प्लेड ऑन देम। एक बार फटाफट बताइएगा, अ सेट ऑफ बेल्स प्लेस्ड टुगेदर फॉर अ ट्यून टू बी प्लेड ऑन देम, क्या बोला जाता है? एट का सी। हाँ, नेताओं की भी गैंग होती है, टिपिकल बुढ़िया जो होती है भाई, उनकी भी गैंग होती है डेफिनेटली। हाँ हाँ बिल्कुल, जो चुगली करते हैं, चुगली उनका परम सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार जो होता है। कैरेलोन इज द राइट आंसर, यहाँ पर कैरेलोन आपने बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है। हमलेट जो होता है वो एक छोटा सा विलेज के अंदर जो घर होते हैं उनका नंबर होता है भाई, ठीक है, उसको हमलेट बोला जाता है। शोक का मतलब झटका होता है, और नन यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, तो यहाँ पर कैरेलोन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भाई। चलिएगा नाइन्थ क्वेश्चन हमारा आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर, चलिएगा। अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर कैप्ट, जहां पर रैबिट्स को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? एवियरी, हच, स्केन या नन, बताइएगा एक बार फटाफट। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आने दो आने दो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, यू आर पुटिंग योर यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स। नाइन्थ का बी आपने लगा दिया है, हच। चलिए हच इसी के साथ में बिल्कुल सही जवाब है भाई, हच। जो एपियरी होती है ये किसकी होती है? बर्ड्स के लिए होती है भाई, ठीक है। एपियरी जो होती है वो बीज के लिए होती है, मतलब वो मैनमेड जगह होती है एपियरी, ठीक है। बी जो हाइव होता है वो बीज का नेचुरल प्लेस होता है भाई। स्केन जो होती है ये मोतियों का समूह होता है, एक माला में जैसे मोती होते हैं, और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हच जिसने जवाब लगाया, बहुत ही बढ़िया लगाया भाई, बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया भाई। इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, देखिएगा एक बार। वन हु राइट्स बुक्स, जो बुक लिखता है उसको क्या बोला जाता है? नॉवेलिस्ट, पोएट, अमेनर या नन, बताइएगा बताइएगा फटाफट बताइएगा। अपने अपने फ्रेंड्स को अगर इनवाइट करना चाहते तो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स इफ यू विश, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिएगा चलिएगा, तो यहां पर आपने टेंथ का ए लगा दिया है, टेंथ का आपने ए लगा दिया है, और ए इज द राइट आंसर, यहां पर नॉवेलिस्ट इज द राइट आंसर। पोएट की बात की जाए तो पोएट कौन होता है? जो पोएम्स लिखता है उसको पोएट बोला जाता है, ठीक है। अमेनर, आर्म्स आपने वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है भिक्षा, और जो भिक्षा देने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेनर बोलते हैं। नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर जो नॉवेलिस्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिएगा चलिएगा, यहां पर आ गई है अभी बारी सेट नंबर नेक्स्ट की, सेट नंबर सेकंड की आई थिंक सो, और सेट नंबर सेकंड अभी आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। चलिएगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट सेट ऑन योर स्क्रीन, और फटाफट एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलिएगा बॉस, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ, काउ के लिए कोई घर या शेल्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। द हाउस और शेल्टर फॉर ए काउ इज कॉल्ड व्हाट, फटाफट बताइएगा। वेदर इट इज कॉल्ड बायर, डेरी, कैनल और फॉर्म, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग ये जवाब लगा रहे हो। यहां पर आपका सेकंड सेट का फर्स्ट आ गया है, इलेवेंथ, ये मतलब फर्स्ट ही आ गया है। आयुष ने फर्स्ट का बी लगा दिया है, और इसी के साथ में जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है।
चलिएगा, इसको डेरी बोला जाता है, बायर जो होता है उसको हम लोग बान बोलते हैं, जिसको बाड़ा बोला जाता है, ठीक है। डेरी बिल्कुल सही जगह है। कैनल जो होती है ये, हाँ, हाउस और शेल्टर फॉर डॉग्स होती है, ठीक है भाई। चलिए, फॉर्म का मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, तो यहाँ पर डेरी बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लॉक कर लीजिएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा जी। बिल्कुल, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया भाई। एन इनक्लोजर एडजोइनिंग अ रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर कैप्ट बिफोर रेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे पूछा था, कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था। चलिएगा, देखते हैं भाई 2 बजे तक क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे डेफिनेटली। चलिए चलिए, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिए। सेकंड का सी आपने लगाया है, बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग में ही सी के बारे में बताया था मैंने, पैडिक जो होता है, और ये दीपिका ने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझा दिया था। बूथ जो होता है ये हमारा स्टॉल होता है, क्रील जो होता है मछली पकड़ने की जाली होती है, जिसके या फिर एक केस होता है, होल्डिंग केस होता है, जिसके अंदर पेपर्स या ड्राइंग वगैरह भी रखी जाती हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो क्रील का मतलब एक जालीदार टोकरी टाइप होती है जिसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं, पानी नीचे से निकल जाता है, मछलियां वहां पे रहती है, उसको क्रील बोला जाता है। जो ईवर जो लिखा गया है, इसका मतलब हमारा सुराही होता है भाई, क्या होता है, सुराही होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है भाई। चलिएगा चलिएगा, हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार देखिएगा। बिल्कुल, द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, एक जिप्सी का हाउस या शेल्टर को क्या बोला जाता है, कैनल बोला जाता है, खैरावन, बरो या कॉन्वेंट, एक बार फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा बॉस। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, एक बार फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बताइएगा। जिप्सी का मतलब ये वो वाली जिप्सी नहीं है जो गाड़ी चलाई जाती है, आइटिनरेंट, हमने एक वर्ड याद करा था ना, आइटिनरेंट, आइटिनरेंट वर्ड याद करा गया था, जो एक जगह से घूमकर दूसरी जगह पर रहता है, ठीक है, घुमंतु जिसको बोला जाता है, वेगाबोन्स जिसको बोला जाता है, तो उसका हाउस या शेल्टर क्या बोला जाता है, वेगाबोन्स जो होते हैं उनका हाउस या शेल्टर है वो क्या बोला जाता है, बताइएगा एक बार। खैरावन यहां पर आपने लिख दिया, खैरावन बिल्कुल सही जवाब है भाई, खैरावन इज कॉल्ड राइट आंसर। बिल्कुल, कैनल जो होता है ये हाउस फॉर डॉग्स होता है, बरो हमारा जमीन के अंदर एक छेद होता है किसी क्रीचर के द्वारा खोदा गया, कॉन्वेंट जो होते हैं ये हमारे स्कूल्स होते हैं, या हाउस फॉर नन्स, जहां पर नन रहती हैं उनको हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर खैरावन इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया जवाब आपने लगाया है। चलिए, वन हु नेवर डाइज, वन हु नेवर डाइज इज कॉल्ड व्हाट, जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोला जाता है, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर्षिता सिंह सही जवाब लगाया बेटे, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों ने लगाया है। चलिए, साकेत ने फोर्थ का ए लगा दिया है, इमोर्टल। बिल्कुल भाई, वन हु नेवर डाइज इज कॉल्ड इमोर्टल, जिसको अमर बोला जाता है, जो कभी मरता ही नहीं है। इमिटेट का मतलब क्या होता है भाई, कॉपी करना होता है, कॉपी करना होता है। ऑनरेरी जो होता है ये विदाउट सैलरी, विदाउट पेमेंट जो कोई काम करता है, विदाउट पेमेंट जो कोई काम करता है उसको ऑनरेरी बोला जाता है। नन यू, आप यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, तो इमोर्टल बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया था। चलिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन पे आ गया भाई फिफ्थ क्वेश्चन। देखिएगा, दैट विच कैन बी ब्लोटेड आउट को क्या बोला जाता है, ब्लोट आउट का मतलब करना क्या होता है, ब्लोटिंग पेपर आपने सुना होगा ना, यानी कि पहले जवाब लगा लो उसके बाद बताऊंगा, पहले जवाब लगा लो उसके बाद बताऊंगा जी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा, बिल्कुल भाई, डेलिबल, बिल्कुल भाई, ब्लोट आउट का मतलब क्या होता है, डिलीट करना होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड ये हमारा वर्ड आ गया, कल भी मैंने आपको बताया था, डेलिबल इज द राइट आंसर। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, जो सारे स्टैंडर्ड्स को या जो जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मैच करता हो। लीगल का मतलब वैध होता है, इलीगल हमारा अवैध होता है, अनलॉफुल जिसको बोला जाता है, अनलॉफुल जिसको बोला जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पर ए ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस इज कॉल्ड व्हाट।
अ नंबर ऑफ बीज लिविंग इन द सेम प्लेस. और ये क्या होता है, नेचुरल होता है भाई, नेचुरल होता है ये, देखिएगा फटाफट जवाब लगाइएगा. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भाई, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिए. चलिए, बी आपने लगा दिया है, हाइव. हाइव बिल्कुल सही जवाब है भाई. बबी क्या होता है, अ नंबर ऑफ पिकॉक्स होता है. स्वॉर्म बोले तो अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फ्लाइंग टुगेदर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लाइंग टुगेदर. ट्रूप का मतलब टुकड़ी होती है, तो यहां पर हाइव जो होता है ये नेचुरल प्लेस होता है. बिल्कुल सही बात है. और अगर ये मैन मेड बोला जाए तो फिर ये अपियरी हो जाएगा भाई. ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यानी कि याददाश्त बड़ी अच्छी है आपकी. चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा लगा भाई. अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड वॉट. मतलब जब नेता लोगों का मैंने जिक्र किया था तो यहां पर स्लेव्स के बारे में मैंने बताया था. अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स इज कॉल्ड वॉट. सेवेंथ पे आ गए हैं, सेवेंथ पे आ गए हैं भाई. चलिएगा, बिल्कुल सेवेंथ पे आ गए हैं, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा. बिल्कुल, डिंपल की वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी. बड़ा ही अच्छा बोल रखा है भाई डिंपल ने, बड़ा ही अच्छा बोल रखा है. वेरी गुड डिंपल. गैंग बोला आपने, गैंग बिल्कुल सही बात है भाई, गैंग इज द राइट आंसर. हाइव जो होता है ये बीज के लिए होता है, मधुमक्खियों के लिए होता है. बोर्ड किसका हो सकता है, एजुकेशन बोर्ड हो सकता है भाई, अपना क्रिकेट बोर्ड हो सकता है. पोजी बोले तो अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स इज कॉल्ड पॉजी. ठीक है भाई, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, पोजी है, पोजी नहीं है, पोजी है. चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा. चलिए, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखिएगा फटाफट. पीपल लिविंग टुगेदर फॉर सेम कॉज, यानी कि पीपल लिविंग टुगेदर फॉर सेम कॉज इज कॉल्ड वॉट. पीपल टुगेदर फॉर सेम कॉज, बताइएगा एक बार. होस्ट, कॉटरी, टीम या ड्रॉफ, बताइएगा बताइएगा. बिल्कुल भाई, देख लीजिए फटाफट एक बार, फटाफट देख लीजिएगा एक बार. कॉटरी, बिल्कुल आयुष, बहुत ही बढ़िया. डिंपल यू डिजर्व इट, बड़ा ही अच्छा बोला था ट्रूली. कोटरी इज द राइट आंसर भाई. बिल्कुल, पीपल टुगेदर फॉर सेम कोर्स इज कॉल्ड कोटरी. वो किसी धरने वरने में बैठते हैं या किसी जुलूस में वो भाग लेते हैं, तो भाई उनको कोटरी बोला जाता है. ठीक है, ठीक है. चलिए, होस्ट क्या होता है, होस्ट एक गेस्ट होता है, मेहमान एक मेजबान होता है. जिसका घर होता है वो होस्ट होता है, जो वहां पर गेस्ट आता है वो गेस्ट होता है. ठीक है भाई, तो टीम हमारी टीम होती है पहली बात, तो टीम का मतलब एक और होता है जो आगे आएगा, अभी बताऊंगा नहीं. और ड्रॉव का मतलब, ड्रॉव इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम लोग किसी रास्ते से लेकर आते हैं, हाँक कर लेकर आते हैं, तो उसको ड्रॉव बोला जाता है. ठीक है भाई, चलिए. क्वेश्चन नंबर नाइन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा. द होम ऑफ अ लॉयन इज कॉल्ड वॉट, शेर का जो घर होता है उसको क्या बोला जाता है. ड्रे बोला जाता है, ड्रे बोला जाता है, फ्रोम बोला जाता है, डेन बोला जाता है, या नन बोला जाता है, बताइएगा बताइएगा. फटाफट आने दो भाई जवाब, फटाफट आने दो, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी. ड्रे, फ्रॉम, डेन या फिर नन, बिल्कुल आसान है, देखिएगा बताइएगा बताइएगा. बताइएगा, लेट्स चेक इट आउट, किसका जवाब सही आता है. अच्छा जी, चलिए, डेन यहां पर आपने लगा दिया, बिल्कुल सही जवाब लगा दिया बेटेन, बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है डेन. वैसे तो जो डेन होता है ये भाई रेस्टिंग प्लेस होता है ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, लेकिन खासकर शेर की होती है जो मांद बोली जाती है. ड्रे जो होती है स्क्विरल का घोंसला होता है भाई. फ्रॉम हमारा क्या होता है, पहली बात तो ये हमारा प्रीपोजिशन होता है जिसको आउट ऑफ बोला जाता है. आउट ऑफ यानी कि जो हमारा क्या है भाई, प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. और नन को आप लोग समझते ही हैं, यानी कि यहां पर डेन बिल्कुल सही जवाब है, लॉक कर लीजिएगा बिल्कुल भाई. चलिए, बड़े ही अच्छे जवाब लगा रहे हो, बड़े ही अच्छे जवाब लगा रहे हो, दैट्स ग्रेट. चलिए, वन हु फील्स ऑन फ्रूट इज कॉल्ड वॉट. इसलिए कहता हूं भाई रिकैप भी होना बड़ा जरूरी है, रिकैप भी होना बड़ा जरूरी है, इसलिए तुरंत बाद नए भी आ जाएंगे, चिंता मत करिएगा. और नए जरूरी नहीं, 10-11 सेट्स के बाद ही आए, हो सकता है एक दो सेट और करवा के नए लगा दें. ठीक है, तो बताइएगा. वन हु फीड्स ऑन फ्रूट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रूटेरियन, कैनिबल, रिक्रूट या नन, फटाफट बताइएगा भाई.
लो भाई, इतनी देर में जवाब आ भी गया है, क्या बात है, बड़ा ही जल्दी कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फ्रूटेरियन इज द राइट आंसर, जो फ्रूट के ऊपर ही जीवित रहता है, फ्रूटेरियन बोला जाता है। कैनिबल जो होता है नरभक्षी होता है, ठीक है। रिक्रूट बोले तो रंगरूट होता है, फौजी जिसका नाम आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गया है, रंगरूट जिसको बोला जाता है। नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ में हम लोग चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, नेक्स्ट सेट की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। तो लीजिएगा बॉस, सेट नंबर थर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल आ गया भाई, इतना टाइम तो बिल्कुल लगाएंगे ही नहीं, नए नए सेट्स भी हमें करने हैं फटाफट। सेट नंबर थर्ड आ गया है, तो बताइएगा। अ रेजिडेंस फॉर नंस, अ रेजिडेंस फॉर नंस इज कॉल्ड व्हाट? अ ब्रूरी, ब्रो, कन्वेंट या बेटर? बताइएगा। पंकज कौशिक, आपका स्वागत है भाई, वेलकम डियर। चलिएगा, अ रेजिडेंस फॉर नंस इज कॉल्ड व्हाट? अ ब्रूरी, ब्रो, कॉन्वेंट या अबेटर? कोई नहीं प्रियंका बेटे, कोई बात नहीं। अरे माउस बना रहे हो, हमारे यहां पर बहुत सारे माउस हैं भाई, ले जाओ, वैसे ही बने बनाए ले जाओ। कॉन्वेंट, यार क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही जवाब कर रहे हो, एकदम से सही जवाब लगाया है ना। कॉन्वेंट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है डियर्स, कॉन्वेंट। अगर बात की जाए ब्रूरी क्या होती है, ब्रूरी एक जगह होती है जहां पर बियर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ब्रो बोले तो एक होल होता है जमीन के अंदर जो किसी क्रिएचर के द्वारा खोद दिया जाता है। अबेटर बोले तो कसाई खाना जिसको बोला जाता है। अब बंटवारा से हमने याद करा था ये, अब बंटवारा होगा इस जानवर का कहां, कसाई खाने में। अबेटर का मतलब क्या हो गया, कसाई खाना हो गया, बिल्कुल भाई। चलिएगा, कॉन्वेंट सही जवाब था, क्या बात है, जियो मेरे शेरों। हाँ बिल्कुल, नाइट में ग्रामर का टॉपिक होगा आज, ग्रामर का टॉपिक होगा भाई। डिंपल, अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, क्या बोला जाता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। स्क्लरी, स्क्लरी, बिल्कुल सही जवाब आ गया, ए ऑप्शन, स्क्लरी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बताया था भाई, रसोई के साथ में ऐसा कोई रूम होता है जहां पर ये हमारे यूटेंसिल्स वॉशअप किए जाते हैं। बिल्कुल भाई, डॉग जो होता है ये कोई प्लांट होता है या प्लांट के लीव्स होते हैं, अब कौन सा होता है हिंदी मुझे पता नहीं है। के बोला जाए तो ये मैनमेड बंदरगाह होती है हमारी, जहां पर शिप्स को लोड या अनलोड किया जाता है, ठीक है भाई। क्रिएट हमारी क्या होती है भाई, ये क्रिएट की अगर मैं बात करूँ, होटल्स के अंदर आपने टेबल के ऊपर वो छोटी छोटी शीशी देखी होंगी नमक की, मिर्च की, मसालों की, उसको क्रिएट बोला जाता है। तो यहाँ स्क्लरी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया जवाब आपने लगाया भाई। बिल्कुल भाई साकेत, 10th की क्लास लगेगी, चलिए क्लासेस सारी लगेंगी यार। ऊपर से एक बात और हो गई ना अभी, तो अब इस साल स्कूल खुलने कोई चांसेस नहीं है, पूरा साल स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक। अभी एक महीना और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 सितंबर तक क्या चलेगा, 30 सितंबर तक बोला गया है कि भाई स्कूल वूल नहीं खुलेंगे। और भाई स्कूल स्कूल नहीं, सितंबर सितंबर में नहीं, स्कूल वगैरह पूरे साल नहीं खुलने वाले इन हालों को देखते हुए, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पे जुट जाओ भाई। चलिए, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? फोर ऑप्शन आर राइट हियर, डेरी, लेयर, डिपो या कैश। बताइएगा एक बार फटाफट, फटाफट बताइएगा, डेरी, लेयर, डिपो या कैश, क्या बोला जाता है, फटाफट आने दो भाई, जवाब आने दो। लेयर बोला जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है, लेयर बोला जाता है। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, डेयरी किसके लिए होती है, गाय या भैंस के लिए होती है भाई। डिपो किसका होता है, डिपो किसका होता है, फटाफट बताइएगा। डिपो हमारा बस का होता है, राशन का होता है, ठीक है, वैसे बुक्स का भी बता दिया जाता है, ओके। अभी जो ये नीचे है कैश, इसको बताइएगा, इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन का मतलब कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख दीजिए फटाफट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आइए देखते हैं कल कितने बड़े ध्यान से सुने सुना था आप लोगों ने, लेकिन आंसर्स आप लोग बड़े अच्छे लगा रहे हो, आंसर्स अनडाउटेडली बड़े ही अच्छे लगा रहे हो। तो कैश का जो मतलब होता है वो आप फटाफट एक बार बताइएगा, कैश। यार फोर्थ तो अभी तो मैंने लगाया है, फोर्थ क्या बात है साकेत बेटे, वहां वहां देख करके नकल मार के मत बताओ, फोर्थ तो मैंने लगाया भी नहीं था अभी है। अच्छा कोई बात नहीं है, पहले पहले 10 के ही आंसर्स मैंने भेज रखे हैं, आपको चिंता ना करो, उसके बाद वाले सेट्स के आंसर नहीं भेज रखे, और इसलिए जानबूझ के आंसर नहीं भेजते हम लोग। चलेगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विद,
इनकैपेबल ऑफ बींग डिस्पेंस्ड विद, क्या बोला जाता है? इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, इन डिफेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल या नन? फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। मेमोरी होती है, अच्छा जी, किसकी मेमोरी होती है ये भी बताइएगा। वैसे अरे कौन कह रहा है 1 अक्टूबर से 10th and 9th और 10th की, 15 अक्टूबर को 9th 10th। अरे हर्षिता बेटे, अनपढ़ लोगों के हाथों में देश है, अनपढ़ लोगों के हाथों में देश है, उनके कोई अपने बच्चे थोड़ी हैं बेटे। उनको क्या जरूरत पड़ी है स्कूल खुले या ना खुले, उनको क्या जरूरत पड़ी है, ये कोई जरूरी थोड़े है। इन लोगों के हर दिन में 20 बार फैसले बदलते हैं, 20 बार फैसले बदलते हैं। हैशटैग चला दिया गया है बड़े बड़े एडुकेटर्स के द्वारा। आप देखो सरकार की कितनी घोर निंदा की जा रही है। एक भर्ती निकालते हैं एसएससी की, उसका रिजल्ट निकालने में 4-4 साल लगा देते हैं ये लोग। मतलब कि एक सरकारी नौकरी के लिए जो बच्चा है 4 से 6 साल तक भटकता रहता है। जब जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो उसका एक जो फेज है वो क्लियर कर दिया जाता है, बच्चों के अंदर वाहवाही हो जाती है, चलो आपकी बार भर्ती आएगी, आपकी बार भर्ती आएगी। कब आएगी बेटा? युवा इतना भड़क चुका है, भड़क चुका है बिल्कुल। नीरज दांगी, गुड आफ्टरनून भाई, बिल्कुल तिजोरी आपने सही लिखा है। चलिए तो भाई यहां पर इनडिस्पेंसिबल इज द राइट आंसर। इनडिफेंसिबल, जिसको डिफेंस नहीं किया जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता है। इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और नन, यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, ठीक है बेटे। चलिए 5th question इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। इन नेता लोगों को जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है ना, सारी विपक्ष की पार्टियां भी 1 ही मिनट में सहमत हो जाती हैं बेटे। 10 सेकंड में अपनी जो सैलरी है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव सारे सम्मति से पारित कर देते हैं। लेकिन मुद्दा आप देखो, डिबेट होती है टीवी के ऊपर, किन चीजों के ऊपर होती है? राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, उसने क्या बोला, सुशांत ने क्या किया, रिया ने क्या किया। मतलब कि नौकरियों की चिंता किसी को नहीं है, नौकरियां भूल जाओ, खाली रिया को याद रखो। टीवी पर इन बेवकूफ लोगों की डिबेट्स देख लो, किन मुद्दों के ऊपर ये डिबेट कर रहे हैं। जिस दिन इनकी डिबेट बेरोजगारी के ऊपर हो जाएगी, भुखमरी के ऊपर हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर हो जाएगी, उस दिन मानना कि हमारा देश कुछ करेगा। इतने बेवकूफ लोगों को यहां पर हम लोग क्या, बिल्कुल ये देखो नीरज दांगी का यहां पर आ चुका है, कॉमेंट आ चुका है। नीरज बेटे, 1 ही साल नहीं, एक जो नौकरी है उसको पाने के लिए जो बच्चा है वो 5 से 6 साल भटक रहा है। आज कोई भी YouTube चैनल आप खोल करके देखो, सारे लोग अपनी भड़ास निकालने पर बैठे हैं, क्योंकि ये सरकार की बिल्कुल टोटली विफलता है इस मुद्दे के ऊपर। कोरोना का मुद्दा उठा करके खड़े हो गए हैं। अरे कोरोना का मुद्दा उठा दिया है तो कोरोना अभी बोलते हैं कोरोना का दवाई नहीं बनेगा जब तक तुम्हें कुछ नहीं करने। अरे बेवकूफो, जब 40 आप लोग एक बात बताओ मुझे, 90% वाले से आप पकोड़े तलवाओगे और 40% वाले से आप लैब में प्रयोग करवाओगे तो इसकी वैक्सीन तुम्हारा बाप बनाएगा, यस और नो? तो इतने निहायती बेवकूफ जाहिल आदमियों से पाला पड़ा है, पता नहीं। और हमारी दुर्गति देखिए, हमारा इससे बड़ा मतलब दुर्भाग्य नहीं है कि भाई एमए बीए करा हुआ आदमी एक 10वीं फेल नेता को वोट देकर उससे उम्मीद करता है कि हे प्रभु मेरा फ्यूचर सिक्योर कर दो। अरे बेटे उसका तो फ्यूचर सिक्योर है, वो आपका थोड़े ना करेगा। चलो खैर आइए यहां पर, चलिए इनके फैसले हर दिन चेंज हो रहे हैं, दिन में 20 बार ये अपने फैसले बदल रहे हैं। कभी मंडे ट्यूसडे लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर मतलब यार समझ नहीं आता है इनको क्या पढ़ा है। इनके बच्चे एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करते, इनके बच्चे तो मेडिकल लाइन में जाते हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। अब आप एग्जाम लो या ना लो, रेलवे एसएससी कितने ही ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी डेट कितने पिछले लंबे टाइम से लटका रखी है। बच्चा अपनी प्रिपरेशन करके पागल हो चुका है, ये है कि एग्जाम लेने का मतलब कोई इनका ये नहीं पता है कि भाई कौन एग्जाम लेगा, कब लिया जाएगा, कैसे होगा। पीछे वाली भर्तियों की भी अगर बात की जाए तो पिछले 4-5 साल में जो जो हमारे फॉर्म्स निकला करते, जितनी पोस्टें निकला करती, आज उनकी हाफ की हाफ भी नहीं बची हैं। क्या उनकी हाफ की हाफ भी नहीं बची हैं? यानी कि इस लेवल पर आ गए ये लोग। अरे इनके तो खाते हैं विदेशों में खाते हैं, जो देश का खाते हैं उनके विदेशों में खाते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। नहीं ये बात तो बेटे बेटे हर्षिता, ये बात तो मैंने बोलनी ही थी, ये आवाज कम करिए भाई आप, ये बात तो मैंने करनी ही थी, क्योंकि आज ये ज्वलंत प्रश्न बन चुका है। इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन बेटे,
मेरे ही चैनल पर नहीं सबके चैनल पर सेम बर्निंग क्वेश्चन है कि क्या कर रहे हैं सरकार, पागल हो गई है क्या? चलिए, दैट विच कैन बी रेड इज कॉल्ड व्हाट, लीगल, लिटरेट, लेजिबल या नन? फटाफट जवाब लगाइएगा, दैट विच कैन बी रेड। बिल्कुल सही लिखा है नीरज, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, ये मीडिया है, अभी अभी रिया और सुशांत से इसको थोड़ा सा वो नहीं मिला है, हटा नहीं है, उसके बाद में रिया और सुशांत के केस से अभी फारिक नहीं हुआ है मीडिया, उसके बाद में अनुष्का भाभी की डिलीवरी क्या बात है, लेकिन सही बात है, मतलब मीडिया को भी मुद्दा नहीं मिलता है, बहस करवाएंगे अपने टीवी चैनल्स पर, बुलाएंगे ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों को जो आपस में बहस करते रहेंगे जिस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। अरे कभी बेरोजगारी के बारे में बहस करवाइए ना, कभी इसके बारे में मीडिया नहीं बोलेगा। और वैसे क्या बोला जाता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अरे उसकी तो जान निकाल रखी है बिल्कुल। चलिए, दैट विच कैन बी रेड, आपने क्या क्या जवाब लगा दिया यहां पर बताइएगा एक बार फटाफट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लेजिबल इज द राइट आंसर। लीगल जो होता है वो वैध होता है, लिटरेट जो होता है उसको पढ़ा लिखा बोला जाता है, पढ़ा लिखा बोला जाता है, ठीक है, चलिए बोला जाता है। चलिए, नन को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। चलिए, अ नंबर ऑफ चिकन हैच्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड व्हाट, A number of chicken hatched at the same time is called what? साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो भाई। बेटे हर्षिता, आपके लिए नहीं है ये, ट्रस्ट मी, ये इस मुद्दे पर तो हमें बात करनी ही है और आज करेंगे भी। आज कोई भी आप बड़ा यूट्यूब चैनल खोल कर देखो, ये एक बर्निंग क्वेश्चन है, सारे आदमी आज इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नेता लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं बेटे, उनको क्या मतलब है SSC रेलवे से, उनको कोई मतलब ही नहीं है, भर्ती निकालो ना निकालो उनका तो फ्यूचर सेट है। चलिए, यहां पर ब्रूड आपने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब आपने लिख दिया है, बैरन जो होती है वो अनप्रोडक्टिव होती है भाई, अनप्रोडक्टिव होती है बैरन। रुकरी जो होती है जगह होती है, क्रिमिनल्स लोगों की बैठक होती है, जो गुप्त स्थान होता है जहां बैठकर वो अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं उसको रुकरी बोला जाता है, ठीक है, ट्रूप हमारी टुकड़ी होती है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ में 7th क्वेश्चन आ गया बेटे स्क्रीन पर, अ नंबर ऑफ जजेस और बिशप्स इज कॉल्ड व्हाट, चेस्ट, बंटिंग, लिटर या बेंच, फटाफट जवाब लगाइएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा। चलिए, चलिए, बिल्कुल भाई सही जवाब लगाया आपने, डी ऑप्शन यानी कि बेंच इज द राइट आंसर। लिटर जो होती है ये हमारा क्या होता है भाई, लिटर जो होता है ये हमारा मटेरियल होता है, पशुओं के नीचे सूखा करने के लिए जो बेडिंग की जाती है उसको लिटर बोला जाता है। बिल्कुल, चलिए, बंटिंग ये कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स होता है या फ्लैग का क्लोथ होता है उसको बंटिंग बोला जाता है। चेस्ट हमारी भाई जो हमारी चेस्ट होती है, छाती जो होती है उसको भी चेस्ट बोलते हैं, तिजोरी को भी चेस्ट बोला जाता है। यहां पर बेंच इज द राइट आंसर। 8th की तरफ आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट आ जाओ। अरे बच्चा इतनी मेहनत करता है, नेता लोगों को, ये राजनेता लोग होते हैं इनको दिखाई नहीं देता है क्या? अरे एक बच्चा 16 से 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कभी इस चैनल के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, कभी उस चैनल के ऊपर पढ़ाई कर रहा है, कभी स्कूल जाकर के पढ़ाई कर रहा है, स्कूल नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, मतलब हद है। चलिए, 7th का डी बिल्कुल सही था, नंबर ऑफ बर्ड्स, बीज और इंसेक्ट्स मूविंग टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट, बताइएगा, फ्लाइट, फ्लॉक, जैम और हर्ड, बताइएगा फटाफट, बताइएगा भाई। फ्लॉक, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दे दिया भाई, फ्लॉक इज द राइट आंसर। फ्लाइट जो होती है वो हमारी उड़ान होती है भाई,
जैम जो है ये हमारी अ नंबर ऑफ वेल्स होती है, हार्ड बोले तो अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाता है। तो 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया लगाया है भाई। चलो बेटे 9th पे आ गए हैं, फटाफट चलना क्योंकि 10 के आगे भी करवाऊंगा। द किचन ऑफ अ शिप इज कॉल्ड व्हाट? किचन ऑफ अ शिप इज कॉल्ड व्हाट? डैवर, डेन, पेन या खबूज? बिल्कुल सही था नीरज। अभी तो सेकंड थर्ड चल रहा है बेटे प्रियंका। 8th का बी, चलिए 9th पे आ गए हम लोग। द किचन ऑफ अ शिप इज कॉल्ड व्हाट? नाइन्थ का डी आपने लगा दिया, यहां पर खबूज। बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया, खबूज। पेन जो होती है लिखने का पेन होता है, लेकिन सेलुलर जेल का जो जेल जो होती है उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में पेन बोला जाता है। डेन जो है ये रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, खासकर शेर, मान जो बोली जाती है। डैवर बोला जाए तो अ हाउस और शेल्टर फॉर एन अरब इज कॉल्ड डैवर। बिल्कुल यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिएगा बेटे 10th आ गया है। और एक चीज और है, ये वही सरकार है जिनको हमने यहां राजगद्दी पर बैठाने के लिए हम जैसे लोगों ने अपनी 13-13, 14-14 आईडीज ब्लॉक करवाई हैं। इन लोगों के लिए हमने बहुत सारा काम करा है, इन लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी। ठीक है, चलिए प्रिजन बिल्कुल सही लिखा है। अ वुमन विद डार्क हेयर, ब्लोंड, ब्रूनेट, आर्चर या नन, बताइएगा भाई। चलिए चलिए, ब्लोंड जो होती है वो गोल्डन या पेल कलर के जिसके बाल होते हैं, गोल्डन या पेल कलर्ड हेयर, हेयर के साथ होती है जिसको ब्लोंड बोला जाता है। ब्रूनेट जो होती है वो बिल्कुल सही जवाब है, डार्क हेयर के साथ में जो होती है उसको ब्रूनेट बोला जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर्चर जो होता है वो तीरंदाज होता है, तीरंदाजी जो करता है। नन को आप लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा, ये यहां पर जो मटेरियल आपको भेजा है वहां लास्ट वाली स्लाइड के अंदर इसका क्या है भाई, यहां पर इनका वो दे रखा है, हमने आंसर्स भी दे रखे हैं, लेकिन चलिए ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो अभी हम लोग चलेंगे भाई किसके लिए, न्यू सेट के लिए चलेंगे। सेट नंबर 4th आ गया भाई, सेट नंबर 4th आ गया बेटे स्क्रीन पर। बताइए, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के को रखने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? एरोप्लेन्स को रखने की जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? नहीं, 9 बजे वाला सेशन भी होगा बेटे, 2 बजे वाला भी होगा। नहीं, 2 बजे वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 बजे वाला तो यही हमारा चलेगा। बिल्कुल, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स इज कॉल्ड व्हाट? हैंगर, फैक्ट्री, डिपो या गैरेट? फटाफट बता दीजिएगा एक बार, हैंगर, फैक्ट्री, डिपो या गैरेट क्या बोला जाता है? अच्छा जी, आपका जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए, हैंगर इज द राइट आंसर। फैक्ट्री जहां सामान को बनाया जाता है, बनाने के बाद गैरेट में इसको रखा जाता है। ठीक है, डिपो बस डिपो होती है अपनी, बुक डिपो होती है, राशन डिपो होती है। ठीक है, तो एरोप्लेन्स के लिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है बेटे। चलिए, सेकेंड ऑप्शन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन आ गया बेटे, देखिएगा एक बार। चलिए, अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, जहां शिप्स को लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? यूर, के, शीत या क्रैश, बताइएगा। के, इसको के बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका आया बेटे, ये मैन मेड बंदरगाह होती है हमारी। के यूर जो है ये हमारी सुराही होती है, यूर जो होती है वो हमारी सुराही होती है। शीत जहां जहां तलवार का ब्लेड रखा जाता है जिसको मयान बोलते हैं हम लोग, उसको शीत बोला जाता है। क्रैश जो हॉस्पिटल फॉर ऑर्फन्स, अनाथ बच्चों का जो हॉस्पिटल होता है उसको क्रैश बोला जाता है भाई। चलिए, थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पर, फटाफट चलने दो भाई,
फटाफट चलेगा, इतना टाइम नहीं है। प्लेस वेयर क्लोथ आर वॉश्ड एंड आयर्न इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ड्री, टेनरी, मिंट या ऑर्चर्ड? बताइएगा, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आने दो भाई, आने दो। लेट मी रिफ्रेश माय कमेंट्स फर्स्ट। लॉन्ड्री, बिल्कुल भाई, लॉन्ड्री इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है लॉन्ड्री। टेनरी क्या होता है? जहां टैनिंग का काम किया जाता है, टैनिंग का जहां काम किया जाता है उसको टेनरी बोला जाता है। मिंट वेयर मनी इज कॉइंड, उसको मिंट बोला जाता है। टकसाल भी आप बोल सकते हो। ऑर्चर्ड बोला जाए तो जहां पर फ्रूट ट्रीज आपके ग्रोन किए जाते हैं, फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन वेयर, दैट प्लेस इज कॉल्ड ऑर्चर्ड। ठीक है भाई, चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। एक बार ये भी बताइएगा, ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आने दो भाई, बिल्कुल बेटे, रिवीजन भी चल रही है हमारी ये, और आगे वाले सेट्स भी अभी आएंगे। इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड इज कॉल्ड व्हाट? इंसेक्टिसाइड, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल, लॉजिक या नन? फोर्थ का बी, फोर्थ का बी बिल्कुल सही जवाब है, इरिवोकेबल। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, बींग चेंज्ड। इंसेक्टिसाइड, साइड यहां पीछे आ गया तो मतलब क्या है? किलिंग है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स है बेटे ये। लॉजिक तर्क होता है किसी बात के पीछे कोई तर्क देना, और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, That of which can be seen, क्या बोला जाता है? Visible, visible, soluble या none? बताइएगा, Visible, visible, soluble या none? आने दो भाई, आने दो, फटाफट जवाब आने दो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बॉस। Visible, that can be seen is called visible होता है। विंसिबल क्या होता है? जिसको जीता जा सकता है उसको विंसिबल बोला जाता है। सोल्यूबल क्या होता है? घुलनशील जो बोला जाता है, घुलनशील। नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, फिफ्थ का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है भाई। सिक्स्थ आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर। चलिए, अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? अ नंबर ऑफ म्यूल्स, म्यूल्स क्या होते हैं? ना तो घोड़ा होता है ना ही गधा होता है, खच्चर होता है, खच्चर। और खच्चर मैंने बोला है, अगर किसी को खच्चर के साथ में कुछ और सुना हो, खच्चर की जगह आपको कुछ और सुन गया हो, हाँ आपके दिमाग में जो है वो भी सही है। आपके दिमाग में जो है वो भी सही है। चलिए, अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। खच्चर से मेरा मतलब खच्चर ही था, लेकिन आपके दिमाग में जो आया वो भी ठीक है। बैरन आपने यहां पर लिख दिया है, और बैरन का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है भाई। रूकरी मैं पहले बता चुका हूं, क्रिमिनल्स की जो बैठक होती है उसको रूकरी बोला जाता है। ब्रूड क्या होता है? ब्रूड भी हम लोगों ने करा था ना, अ नंबर ऑफ क्या हैच्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, ट्रू बोले तो टुकड़ी, बिल्कुल सही जवाब है सिक्स्थ का सी। सेवेंथ ऑप्शन आ गया स्क्रीन के ऊपर, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? बताइएगा, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्शन, लाइब्रेरी, रोप या नन ऑफ दीज? फटाफट आने दो भाई जवाब। चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। आटा से बनाया था क्या? अच्छा चलिए, लाइब्रेरी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ये भी तो सिंपल है यार, ये गलत नहीं होना चाहिए। रोप हमारा क्या होता है? रस्सा होता है। नन ऑफ दिस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कलेक्शन हमारा भाई समूह होता है किसी भी चीज का, लेकिन अगर बुक्स का होता है ये लाइब्रेरी बोली जाती है। चलिए चलिए बेटे, अ नंबर ऑफ कैटल और स्वाइन फीडिंग और ड्रिवन टुगेदर।
फीडिंग और ड्रिवन टुगेदर, उनको क्या बोला जाता है बताइएगा? टीम लिटर कास्ट या किंडल बताइएगा? टीम लिटर कास्ट या किंडल? अ नंबर ऑफ स्वाइन फीडिंग और ड्रिवन टुगेदर, फटाफट आने दो भाई। एट्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। जो मैंने पीछे एक वर्ड छोड़ा था और मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो आगे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टीम टीम या किंडल, मैंने एक वर्ड छोड़ा था वो टीम ही मैंने छोड़ा था, लेकिन यहां पर दो ने ए बोला है और दो ने, तीन ने ए बोला है, दो ने डी बोला है, दो ने डी बोला है और तीन ने ए बोला है। अच्छा जी, लिटर हमारे क्या होते हैं? लिटर का मतलब अ मटेरियल फॉर बेडिंग अंडर एनिमल्स, उसको लिटर बोला जाता है, या कोई टॉर्च वगैरह शुरू करना या आग जलाना उसको भी लिटर बोला जाता है, ये तो क्लियर है। कास्ट का मतलब फेंकना होता है, थ्रो करना होता है भाई, ठीक है। अब आप लोग बताओ वेदर यू लाइक टू गो फॉर टीम और किंडल, टू ऑप्शन आर राइट हियर फॉर यू। चलिए टीम के साथ में गए बहुत सारे, अच्छा जी कुछ डी के साथ गए हैं, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए। चलिए नाइन्थ आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अ मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने का मुस्लिमों का स्थान होता है भाई, क्या बोला जाता है? मॉस्क, फ्रॉम, पेन या नन। टीम के साथ गए हैं बहुत सारे, चलिए चलिए इतने सारे लोग अगर एक ही बात को कहते हैं तो मैं कैसे आपसे डिसएग्री कर सकता हूं। अच्छा जी नाइन्थ का ए आपने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लिख दिया है, मोस्क इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ होता है, आउट ऑफ होता है। पेन बोले तो लिखने वाला भी होता है, और जो हमारी जेल होती है उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में पेन बोला जाता है भाई, पेन, ठीक है। और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर नाइन्थ का। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10th, एक बार फटाफट देख लीजिएगा। वन हु फिशेस, फिशेस का मतलब क्या हो गया? जो मछली पकड़ता है विद अ रॉड, उसको क्या बोला जाता है? आर्चर, ब्लॉन्ड, एंगलर या नन, बताइएगा। 10th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, 10th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, एक बार बता दीजिएगा फटाफट, फटाफट एक बार बता दीजिएगा। चलिए एंगलर आपने यहां पर लिखा है, और इसी के साथ मैं बता देता हूं, जो एंगलर आपने लिखा है वो बिल्कुल सही जवाब है भाई, एंगलर। आर्चर तीरंदाज होता है, ब्लोंड यानी कि गर्ल विद पेल और गोल्डन हेयर होती है, ठीक है, और अगर डार्क कलर हेयर के साथ में तो उसको ब्रूनेट बोला जाता है। एंगलर यहां पर सही है, नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, चलिए चलिए वेरी नाइस। तो इसी के साथ में सेट नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, सेट नंबर 5th इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, लीजिए। सेट नंबर 5th आ गया भाई, देखिएगा। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, भैया गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स की भी अगर बात की जाए तो अभी आपने पीछे एक बात सुनी होगी कि एक ऐसी बिल्डिंग को आग लग गई थी जहां पर नीरव मोदी और विजय माल्या के वो कागजात रखे गए थे, वहां शॉर्ट सर्किट हो गया था वहां पे, यानी कि उनके जो कागज थे उनको आग लग गई थी। कागजों को आग लगने का मतलब आप जानते हो, जबकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि सारा डिजिटल जमाना आ गया हमारा भाई, मल्टीमीडिया का जमाना है, सारी चीजें ऑनलाइन हम कर रहे हैं, तो उनके कागज जल जाना मतलब दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, लेकिन आप चलिए लगाइए। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड व्हाट? आर्काइव्स, बिल्कुल सही जवाब आपने लिखा है, इसकी जो उच्चारण है वो सुनिएगा, ये आर्काइव्स नहीं होती है, आर्काइव्स बोला जाता है बेटे, बिल्कुल सही आपने सुना है, आर्काइव्स, ठीक है। कैश जो होता है ये हमारा क्या होता है फिर से बताइएगा? डिपो, डिपो हमारा राशन का डिपो हो गया, बुक डिपो हो गया या बस डिपो हो गया है। डेन बोल दो, रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड, बिल्कुल डेन, चलिए चलिए। बार बार लगभग वही वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। आज अ रिफ्रेशमेंट हॉल इन मोंटेसरीज एंड कॉन्वेंट्स, कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर या मोंटेसरीज के अंदर जो रिफ्रेशमेंट हॉल होता है उसको क्या बोला जाता है? विवेरियम, सेलर, क्रील या रिफेक्ट्री,
बताइएगा, फटाफट बताइएगा। डिंपल, ये कास्ट आपने लिख दिया है, स्पेलिंग चेक करिएगा, चेस्ट आना था ना, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। हर्षिता सिंह ने रिफैक्टरी लिख दिया है, डी लगा दिया आपने। चलिए, रिफैक्टरी इज द राइट आंसर। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है, इसी से मिलता जुलता है, रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी क्या होता है? बाल सुधार गृह होता है, जहां पर नाबालिग बच्चों को रखा जाता है। जेल में नहीं रखते उनको, रिफॉर्मेटरी में रखते हैं भाई, ठीक है। क्रील हमारी मछली पकड़ने की जाली या कोई केस वेस होता है पेपर वगैरह होल्ड करने के लिए। सेलर जो होता है ये हमारी बेसमेंट होती है। और विवेरियम बोला जाए तो ये भैंसों के लिए बांधने की जगह होती है, जिसको ठाण बोला जाता है हमारी अपनी लैंग्वेज में। बिल्कुल डिंपल, अभी सही है। थर्ड आ गया भाई, थर्ड आ गया क्वेश्चन। अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, जहां पर ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है, ऐसे रूम या प्लेस को क्या बोला जाता है? ऐसे रूम या प्लेस को क्या क्या बोला जाता है? फटाफट बताइएगा। आने दो, आने दो, फटाफट आने दो भाई। गैरेट, स्टेबल, इंसिनरेटर या फिर हर्बेरियम, बताइएगा। फटाफट आने दो भाई, फटाफट आने दो। थर्ड का डी आपने लगा दिया है, थर्ड का डी, हर्बेरियम इज द राइट आंसर। हर्बेरियम बिल्कुल सही जवाब है भाई। इंसिनरेटर जो होती है हमारी भट्टी होती है, क्या होती है? भट्टी होती है भाई। स्टेबल हमारे क्या होता है? स्टेबल, स्टेबिलिटी यानी कि ठहराव, या अस्तबल जो होता है उसको क्या बोला जाता है बताइएगा, जहां पर घोड़े वोड़े रखे जाते हैं। गैरेट, फैक्ट्री में सामान बनता है और गैरेट फिर गैरेट में रखा जाता है। ये अक्सर हमारे घर पर जो एटिक होती है या जो रूफ होती है उसके तुरंत नीचे जगह होती है, जिसको टांड वांड भी हम लोग बोल देते हैं, टांड बोल दिया जाता है अपनी लैंग्वेज में। देखते हैं बेटे प्रियंका, कल महामैराथन होगी या नहीं, लेकिन कोई भी टॉपिक जो कराएंगे उसकी मैराथन ही होगी। चलिए, टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इज कॉल्ड वॉट? प्रिजर्व से रिलेटेड परसिवेयर हमने एक शब्द याद करा था, लेकिन ये प्रिजर्व है, बताइए। टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इज कॉल्ड वॉट? टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इज कॉल्ड वॉट? मम्मीफाई, मोर्टल, मार्टर या मटिनी? मम्मीफाई, बिल्कुल सही जवाब दे दिया भाई। मम्मीफाई इज द राइट आंसर। मोर्टल जो होता है वो नश्वर होता है, जो नष्ट होने वाला होता है, एक दिन मरने वाला होता है। मार्टर जो होता है वो शहीद होता है, शहीद, ठीक है भाई। मटिनी होता है दोपहर वाला शो होता है, दोपहर वाला शो होता है टीवी पे होता है, टीवी पे दोपहर वाला शो होता है, ठीक है भाई, उसको मटिनी बोला जाता है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राइट हियर। अ वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू अनदर वर्ड, ये किसी ने कल गलत करा था, किसी अच्छे बच्चे ने गलत करा था, किसने करा था? अ वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? एंटोनिम, सिनोनिम, एंथोलॉजी या नन, बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई। आने दो, आने दो, फटाफट आने दो। बताइए, बताइएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आपका जवाब आना शुरू हो गया है। ये तो सिंपल सा है यार, हमारा एंटोनिम बोला जाता है। सिनोनिम क्या होता है भाई? सेम, ठीक है, हैविंग सेम मीनिंग, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है। नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर ए ऑप्शन ठीक है, इसको लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा, चलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पर। A number of kittens is called what? Litter, kindle, troop या none of these? A number of kitten. अच्छा, डिंपल नहीं करा था।
हाँ भाई 10th की क्लास होगी यार, 6 बजे होगी यार, 6 बजे होगी, 6 बजे होगी। चार्जिंग में बैटरी चल रही है कैमरे की, और इसको फिर लगा देंगे, उसको इसके अंदर लगा देंगे। चलिए लीटर ठीक है भाई। किंडल की बात मैंने अभी आपको बताई थी, लीटर ये अब बैटिंग के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो भी होता है किंडल। कोई आग शुरू करना या बैटरी बैटरी जलाना, ट्रूप हमारी टुकड़ी होती है भाई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 7th आ गया स्क्रीन के ऊपर, फटाफट चलिए, लेट मत करिए। अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्लैग्स का कलेक्शन क्या होता है, और फ्लैग के कपड़े को भी वही बोला जाता है। फ्लैग का कलेक्शन और फ्लैग का जो कपड़ा होता है उसको भी वही बोला जाता है, बता दीजिएगा आप। इसके बाद 11th से करवा दूं? अच्छा जी, अच्छा जी, सेवेंथ का भी बंटिंग, बिल्कुल सही जवाब लगाया। बुके किसका होता है? फ्लावर्स का होता है। ऑडियंस हमारी क्या होती है? दर्शक श्रोता होते हैं। रोक रही, फिर से वो क्रिमिनल्स का प्लेस आ गया है, ठीक है, मीटिंग प्लेस आ गया है। 8th आ गया अब स्क्रीन पर। अ स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल पेटरिच इज कॉल्ड वॉट? कवी, कैच, हाइव और स्केन। आने दो भाई, आने दो, फटाफट आने दो। एट का सी, हाइव है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल, क्या बात करते हो प्रियंका बेटे। हाइव हमारे क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है। खबर इज द राइट आंसर। कैच का मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। स्केन मोतियों का समूह होता है। खबी खबी खबी, हाँ सारे बच्चे नहीं हैं, उनकी क्लासेस चली हुई है ना। एट का ए, बिल्कुल सही है। 9th आ गया भाई, 2 बजे के आसपास आएंगे वो, जुड़ेंगे हमसे। वन हु अटेंड्स टू द डिजीजेस ऑफ आई, आंख की बीमारियों को जो अटेंड करता है उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? आंख से रिलेटेड जो बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, बताइएगा बताइएगा। आने दो, आने दो, फटाफट आने दो। देखिए ऑक्यूलिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्टिशियन जो होता है ना, ये चश्मे वश्मे बनाने वाला होता है भाई, ठीक है। और ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर कौन होता है? जो ड्रोव को हांकता है। ड्रोव इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। उसको हाली जो बोला जाता है, हाली अपनी लैंग्वेज में बोला जाता है ना, पशुओं को लेकर के खेत वेत में जाता है उनको चराने के लिए, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो भाई ऑक्यूलिस्ट बिल्कुल सही जवाब है। 10th आ गया बेटे। अ हेट ऑफ मैरिज मिसोगमिस्ट, ये गम से याद करा था हमने, याद करिएगा। बिगेट, ग्लीब और नन, बताइएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आने दो फटाफट, बगैर रुके आने दो। फटाफट आने दो। चलिए 10th का ए, मिसोगमिस्ट, बिल्कुल सही जवाब है मिसोगमिस्ट। बिगेट क्या होता है भाई? धर्मांध होता है, धर्म के अंदर जो अंधा होता है। गलीब पशुओं की जो मेडोज बोली जाती हैं चरने के लिए, चारागाह वगैरह होती हैं, उसको बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, कट्टर, बिगेट, कट्टर, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। चलिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया भाई स्क्रीन पर, 6th आ गया है। चलिए अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज कॉल्ड व्हाट? हर्बेरियम, ऑर्चर्ड, टेनरी या लॉन्ड्री? ट्वेल्थ चलेगी भाई, आगे चलेगा, आगे चलेगा।
2 बजे तक अगर मैं आराम से बैठा रहा, ठीक ठाक बैठा रहा, तो आगे चलेगा इससे। अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे फिर, क्योंकि वो नया होगा आप सबके लिए। चलिए, ये आपने लगा दिया हर्बेरियम, बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया भाई, हर्बेरियम आपने लगा दिया, बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया। ऑर्चर्ड क्या होता है? जहां फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, टैनरी जहां टैनिंग का काम होता है, लॉन्ड्री जहां कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई, सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई। अ रूम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर के लिए जो रूम होता है उसको क्या बोला जाता है? कैडी, डिकेंटर, ग्लिप्टोसैका या पैडिक? सेकंड का सी, सेकंड का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ग्लिप्टोथेका इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। कैडी जो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलने वाले का जो हेल्पर होता है उसको कैडी बोला जाता है। डिकेंटर एक ऐसा हमारा यूटेंसिल होता है जिससे शराब उड़ेली जाती है, शराब डाली जाती है, उसको डिकेंटर बोलते हैं। पैडिक आपको पता ही है, 4 बार आ चुका है ये पैडिक। चलिए, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, और यही वो ऑफेंडर्स होते हैं जो बाद में क्या बनते हैं, बाद में पॉलिटिशियंस बनते हैं, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी, एनवेल या एंटोनिम, नन। जयश्री बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो बेटे, वेरी नाइस। एमनेस्टी बिल्कुल सही जवाब दिया बेटे। एनुअल हमारा वार्षिक होता है, एंटोनिम विपरीतार्थक होता है, ठीक है। एमनेस्टी इज द राइट आंसर फॉर अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। नोइंग एवरीथिंग, नोइंग एवरीथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा? नोइंग एवरीथिंग को क्या बोला जाता है बताइएगा? यानी कि एक ही वर्ड है, नोइंग एवरीथिंग बोली जाए तो हर चीज जिसको पता है वो कौन होता है? भगवान ही होता है। भगवान के लिए एक ही वर्ड है बेटे, ओमनी, ओमनीसेंट हो गया, ठीक है। ओमनीसेंट इज द राइट आंसर। ओपेक क्या होता है? जिसके अंदर से प्रकाश ना जाए, अपारदर्शी जिसको हम लोग बोलते हैं, अपारदर्शी जिसको बोला जाता है बेटे, ठीक है, अपारदर्शी। ओरेटर कौन होता है? जो धारा प्रवाह बोलता है उसको ओरेटर बोलते हैं, और ये नन है भाई, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर ओमनीसिएंट बिल्कुल जो सब कुछ जानता है उसी के लिए यूज किया जाता है बेटे। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, चलिएगा। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, मेरा सेशन शुरू करने से पहले यही बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो बताइए। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, अकाइव्स, ऑडिबल, एनिमेट, एजेंडा, फटाफट बताइएगा बेटे। ऑडिबल बिल्कुल सही है बेटे, ऑडिबल। अकाइव्स क्या होता है? जहां गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको अकाइव बोला जाता है। एनिमेट जिसके अंदर लाइफ होती है, जो चल फिर सकता है, उसको एनिमेट बोला जाता है। एजेंडा थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाते हैं, आज का एजेंडा क्या है मीटिंग का, इन इन चीजों के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, उसको एजेंडा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, आज तो चलो अभी तक बैटरी का सिंबल आया नहीं है, बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। चलिए, बैटरी का सिंबल आए तो मुझे बताइएगा जरूर भाई। चलिए बेटे, अ नंबर ऑफ वाइल्ड गीज और स्वॉन्स इन फ्लाइट, क्या बोला जाता है? स्वॉन्स और फ्लाइट के अंदर जो संख्या होती है वाइल्ड गीज की, फ्लाइट के अंदर स्वॉन्स की या गीज की, गोज का प्लूरल है भाई गीज, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्केन, स्वॉर्म, कॉन्ग्रीगेशन या क्लस्टर? आयुष, Answers, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं क्या? गायब कैसे हो जाते हैं यार? हाँ, काफी टाइम हो गया भाई, नहीं थर्ड का आया हुआ है,
थर्ड के बाद अभी दिखा नहीं है मुझे। चलिए चलिए, स्केन न्योता, स्केन न्योता, स्केन थोड़े ना होता है यार, क्या बात कर रहे हो, स्केन होता है या स्वोम होता है, स्केन होता है या स्वोम होता है, स्केन मोतियों का समूह होता है ना। स्वोम को देखिएगा एक बार, कॉन्ग्रीगेशन तो हमारी बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी से हमने याद करा था, बैठक हो गया है, फाली हो गया है ना। क्लस्टर हमारा क्या होता है, क्लंप होता है, जिसको झुंड बोला जाता है। ए है या बी है एक बार चेक करके बताइएगा, ए है या बी है चेक करके बताइएगा। चलिए, सेवेंथ आ गया भाई, सेवेंथ आ गया बेटे। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट, फॉरेस्ट, क्लस्टर, क्लंप या फ्लीट। मनीषा बताइएगा एक बार फटाफट। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट, क्लस्टर, क्लंप या फ्लीट। जंगली पक्षियों का झुंड, क्या बात है। यहां पर फॉरेस्ट इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लस्टर और क्लंप का मतलब झुंड होता है, फ्लीट जो कलेक्टिवली नेवल फोर्स ऑफ अ कंट्री होती है उसको फ्लीट बोला जाता है भाई, उसको फ्लीट बोला जाता है। चलिए, एट्थ क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर। अ नंबर ऑफ रूक्स, सी नहीं है, रूक्स है, कव्वे जैसे प्रजाति होती है भाई, कव्वे जैसी प्रजाति। अ नंबर ऑफ रूक्स इज कॉल्ड व्हाट, रोकरी, ट्रूप, स्टड या कास्ट। रोकरी, क्या बात है, देखा बिल्कुल देखते ही जवाब आ रहा है। ट्रूप टुकड़ी होती है, स्टड जो होता है वो मेल होर्स होता है, ठीक है। मेल अट्रैक्टिवनेस में भी ये वर्ड यूज किया जाता है, मेल्स को की अट्रैक्टिवनेस में, मेल्स की अट्रैक्टिवनेस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, जैसे स्टग हो गया, स्टड हो गया है, या हंक हो गया है। तो ये मेल हैं जो आदमी, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें से स्टड एक वर्ड है। कास्ट का मतलब थ्रो करना होता है, ठीक है भाई। नाइन्थ आ गया स्क्रीन के ऊपर। वन स्किल्ड इन द केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, हैंड्स एंड फीट की केयर में जो स्किल्ड होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है बताइएगा। विंटनर, फरियर, चिरोपोडिस्ट या नन। चिरोपोडिस्ट, क्या बात है, देखा देखते ही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। विंटनर शराब का विक्रेता होता है, सेलर ऑफ वाइन। फरियर फर के बने कपड़ों को जो सेल करता है, फर के बने हुए कपड़ों का जो व्यापारी होता है उनको सेल करता है, वो फरियर बोला जाता है। नन, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए, टेंथ आ गया बेटे। द साइंस ऑफ नंबर, नंबर की साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ्स, एनाटॉमी या डिवोर्स या नन, बताइएगा बताइएगा फटाफट। आने दो भाई जवाब, फटाफट आने दो। टेंथ का ए, बिल्कुल भाई, मैथ्स इज द राइट आंसर। एनाटॉमी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्टडी होती है, डिवोर्स हमारा तलाक होता है, नन यू रियली वेरी वेल। तो ऑल द सेम, अभी चलते हैं भाई हम नेक्स्ट अपना जो है सेट है उसकी तरफ। सेवेंथ पे आ गए हैं भाई, सेट नंबर सेवेंथ इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां पर सामान को स्टोर किया जाता है उस जगह को क्या बोला जाता है बताइएगा, बताइए। गैरेट, ऑर्चर्ड, मिंट, मिंट या डिपो। मैथ्स, जिसके अंदर मैं गरीब हूं।
वही मैथ्स जिसके अंदर मैं गरीब हूं। फटाफट बताइएगा भाई, जवाब आने दीजिएगा। हुन ठीक है, आने दो भाई, आने दो, जवाब आने दो। आई हैव बीन वेटिंग। गैरेट फर्स्ट का ए जो आपने लगा दिया है, तो आपको बता देता हूं, बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया है। ऑर्चर्ड बोल दो, फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन मिंट वेयर मनी इज कॉइंड। डिपो, डिपो होती है भाई, बुक डिपो, राशन डिपो, बस डिपो। नेक्स्ट आ गया अब स्क्रीन के ऊपर, रिसेप्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड व्हाट, बताइएगा। बंकर कैडी, बटिया, क्रील। ये कल कईयों ने बहुत गलत जवाब दिया था इसका, कल बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया था। Mr. Retarded, you know better than I. So how can it be possible? I'm going to teach you. You have asked a gorgeous question, but thing is that you know better than I. So you know very well. Thank you. Here we go for. You have written right here D. D option is the right answer. Creel. Creel is called the right answer for this. A receptacle case for holding papers or drawing etc. To be very frank, creel is one more thing. यानी कि मछली पकड़ने वाला जो यंत्र है, जिसके नीचे से वो ऐसा केस होता है, जिसके नीचे से पानी वानी चला जाता है, तो उसको भी creel बोला जाता है। बंकर जो होता है, ये हमारा छुपने का जगह होता है, बेसमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। कैडी जो हेल्पर होता है गोल्फ में, उसको कैडी बोला जाता है, बट इज कॉल्ड अ प्राइवेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, चलिए Here we go for next question on our screen. So, check it out. Animals with two feet is called what? Blind, bigot, biped or dumb? Let's check it out. Animals with two feet. Blind, bigot, biped or dumb? This accent, are you just talking about this accent? Ye Haryanvi hai ji. neutral accent. Blind is called jisko dikhta nahi hai, theek hai. Bigot jo dharmandh hota hai. Biped is called the right answer. Dumb, you tell me what is dumb? Unable to speak out or something like that. बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, एंड द मर्डर ऑफ वन्स ऑन फादर, खुद के फादर का मर्डर इज कॉल्ड व्हाट? पैट्रिसाइड, पैनेसिया, पैट्रियट और नन, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। चलिए, द मर्डर ऑफ वन्स ऑन फादर इज कॉल्ड व्हाट? चलिए, पैट्रिसाइड, बिकॉज यहां पर मर्डर के लिए हम लोग ये साइड वर्ड का यूज करते ना, पैट्रिसाइड इज द राइट आंसर। अगर भाई हो तो फिर फैट्री बोला जाता है, किसके लिए? ब्रदर के लिए क्या होता है? फैट्री होता है भाई, है ना। और सिस्टर अगर होगी तो उसको सोरोरी बोला जाएगा, सोरोरी साइड। पैनासिया रामबाण होता है, पैट्रियट देशभक्त होता है, नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड व्हाट? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड व्हाट? यू हरियाणा से प्रधान है। चलिए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोक्रेसी, बैरक्स, एवियरी या नन?
फटाफट आने दो, फटाफट आने दो भाई जवाब। एपियरी, एपियरी इज द राइट आंसर। और एपियरी अगर बोलूं तो जहां पर बीज को रखा जाता है। ऑटोक्रेसी बोला जाए तो तानाशाही और बैरक्स आपको पता है क्या होते हैं, कैदियों के लिए होते हैं बैरक्स, है ना, बैरक में रखा जाता है उनको। चलिए एपियरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एंड अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस। लेकिन सम कॉमन पर्पस आया है, ध्यान से देखिएगा, हर बार मैं आपको ये बताता हूं। क्राउड, क्वायर, बेंच और गैदरिंग। डू लेट मी नो व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आने दीजिए, आने दीजिए। गैदरिंग, गैदरिंग इज द राइट आंसर। फॉर सम कॉमन पर्पज, अगर भीड़ इकट्ठी हुई है तो उसको गैदरिंग बोलेंगे, और अगर वैसे लोग इकट्ठे हैं, भीड़ है, यानी उनका पर्पज एक जैसा नहीं है, तो क्राउड बोलेंगे। क्वायर इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ सिंगिंग पर्सन्स, है ना। बेंच इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ जजेस और बिशप्स। भोली वाले लेसन में आया था, बिल्कुल सही बताया है, कल भी आपने मुझे बताया था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर। चलिए, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट, स्टैक, फॉरेस्ट, स्वीट या ट्रस। आने दो, आने दो, आने दो। फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। स्टैक किसका होता है, ग्रेन का या हे का, भूसे का या अनाज का। स्वीट बोले तो ये रूम सेट होता है भाई। ट्रस इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर, आपका एक वो होता है शेप होती है जिसके अंदर जो बीमार आदमी वो बैठते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है एकदम से, डेफिनेटली। एट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा इसका। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट, स्केन, मैनेजरी या जू, कास्ट या फ्लीट। सेवेंथ, एट्थ पे आ गए हैं भाई, एट्थ पे आ गए हैं, एट्थ पे। चलिए अनेबल टू हर्ड, वो डेफ नहीं होता है। बिल्कुल, मैनेजरी या जू इज द राइट आंसर। स्केन मोतियों का, कास्ट का मतलब थ्रो करना, फ्लीट कलेक्टिवली नेवल फोर्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड फ्लीट। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट आ गया, फटाफट देखिएगा। वन हु कार्व्स इन स्टोन, स्टोन के अंदर जो काव करता है, ठीक है, काटता छाटता है उसको। नेवी, विंटनर, फरियर या स्कल्प्टर। लेट्स चेक इट आउट, एट का भी बिल्कुल सही था, नाइन्थ पे आ गए हैं भाई। डम अनेबल टू स्पीक होता है, डेफ होता है, अनेबल टू हियर। स्कल्प्टर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। फरियर जो होता है, फर के बने कपड़ों के अंदर जो डील करता है। विंटनर जो शराब बेचता है। और नेवी आपको पता है भाई, नेवी हमारी नेवी एयरफोर्स हो गई है, यानी कि सी फोर्स जो होती है कंट्री की, उसको हम लोग नेवी बोलते हैं। टेंथ आ गया भाई। चलिए, इंगेज्ड टू बी मैरिड, मतलब शादी हुई नहीं है, सूली पे चढ़ानी है, सूली पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। डॉरी, बिथ्रूट, बिट्रूथ्ड, विंडो, विंडो, अगर यहां पर विंडो होती तो, है ना, तो विधवा होती है भाई। नन, बताइएगा। टेंथ का बी आपने लगा दिया है, बिल्कुल सही लगा दिया है। बिट्रोथ्ड इज द राइट आंसर। डोरी हमारा दहेज जो होता है, विंडो खिड़की होती है, विंडो विधवा होती है। नन, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो चलिए, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो।
नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटे, एट्थ की तरफ आ गए हैं। चलिए सेट नंबर एट इज राइट हियर ऑन ऑन आवर स्क्रीन कि भाई अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर स्टोर्ड। यहां पर फ्रूट्स नहीं आएगा, ये फ्रूट आएगा भाई। तो यहां पर सबसे पहले इस एस को उड़ा दो, वेयर फ्रूट ट्रीज, नहीं ये तो ठीक था यार, ये तो ठीक था, इस एस को उड़ा दो, फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ये ठीक था। ठीक है भाई, इज कॉल्ड व्हाट? अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर स्टोर्ड, ए आपने लगा दिया, ऑर्चर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। यहां ड्रे को आप बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में, आपने इसको विस्तार पूर्वक बताना है, व्हाट डू मीन बाय ड्रे। ठीक है, कॉन्वेंट हमारे स्कूल्स होते हैं या नन्स के रहने के स्थान होता है, ऑर्फनेज जहां पर ऑफन्स बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे रखे जाते हैं। ड्रे को विस्तार पूर्वक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Here we go for question number second. A portable case for holding papers or drawing etc. is called what? Portfolio, crate, sheet या ewer? Second आ गया भाई। चलिएगा। Portfolio, ठीक है। क्रेट ये शीशी होती है जिसके अंदर नमक मिर्च मसाला वगैरह होता है, होटल्स के अंदर आपने देखा हो टेबल के ऊपर। शीत का मतलब मयान होती है, ईवर हमारी सुराही होती है, सुराही। ठीक है भाई, पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। चलिए, अ प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज, बरियल की बात हो रही है भाई। ठीक है, अ प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज is called what? Cannibal, cemetery, drawn या deaf? Nest of squirrel, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है साकेत, बिल्कुल सही लिखा है भाई। Nest of squirrel is called dray. फटाफट जवाब आने दो यार, टाइम ज्यादा लगा रहे हो, पहले ठीक ठाक जवाब दे रहे थे। यहां पर बरियल की बात की जाए तो यहां पर सिमेट्री की बजाय ग्रेवयार्ड होगा। ये डेड बॉडी की बर्निंग के लिए होता है, कैनिबल हमारा नरभक्षी होता है, ये हमारा हैगार्ड होता है, होटल का गार्ड थका हुआ है, टायर्ड जिसको बोला जाता है। ठीक है, और डेफ ये वर्ड आ गया अभी जिसके ऊपर आप लोग बहस कर रहे थे, अनेबल टू हियर। चलिए, थिकली पॉपुलेटेड इज कॉल्ड व्हाट? पोर्टेबल, पॉपुलस, पॉलीगन या नन? रौनक स्वागत है आपका। Let me refresh my comments first. चलिए जी, रिफ्रेश कर लिया मैंने अभी, सबने आंसर दे दिया है। अच्छा जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर लिया मैंने। यहां पर पैपुलस इज कॉल्ड द राइट आंसर। पोर्टेबल, अभी उस केस के बारे में हमने वो देखा था ना कि पोर्टेबल केस फॉर पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या होता है यार, इधर उधर ले जाना होता है, जिसको इधर उधर ले जा सकते हैं हम, हैंडी जिसको बोला जाता है, पोर्टेबल को आप हैंडी बोल सकते हो। ठीक है, पॉलीगन आप लोगों से सुना था मैंने, पूछा था कल, जिसकी क्या साइड्स वगैरह होती हैं, या आपका मैथ्स की टर्म है ये, तो मैथ्स में मैं बिल्कुल गरीब हूँ आप लोगों को पता है, तो जल्दी से पॉलीगन जो होता है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं फटाफट एक बार लिख करके जवाब भेज दीजिएगा। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और फटाफट करना है बिल्कुल, ये काफी लंबे टाइम से हमारा महामैराथन चल रहा है और मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है, एक बार फटाफट बताइएगा। अमित चहल, डीपीएससी, गुड आफ्टरनून जी, आपका स्वागत है।
डीपीएस का स्वागत है जी, ईशापुर से वेलकम। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? कार्कस, सेंसस, कॉबलर या नन? फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब दे दीजिए। दो बजे के बाद में नया सेट लेकर चलेंगे भाई, डेफिनेटली नया सेट लेकर के चलेंगे, एक बार आने दो सबको। कार्कस इज द राइट आंसर, कॉकस बोला जाता है ये वैसे, क्या कॉकस, कॉकस बोला जाता है ये, ठीक है। सेंसस क्या होती है? कैलकुलेशन होती है किसकी, जनसंख्या की। कॉबलर हमारा मोची होता है और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हियर वी गो फॉर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब तक बाकी बच्चे जुड़ते हैं फटाफट हम लोग इनको कवर कर लेते हैं अपने, फिर नए सेट्स आ जाएंगे भाई हमारे, ठीक है। फिफ्थ का ये बिल्कुल सही था जी। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डरली पीपल, या अक्सर आपने पंजाबी सॉन्ग्स में सुना होगा। अभी कैमरे की बैटरी भी लगातार डेढ़ घंटे से चल ही रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो बैटरी का सिंबल आए तो तुरंत बताइएगा मुझे, उसको चेंज करवा दूंगा फिर मैं। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डरली पीपल इज कॉल्ड व्हाट? हॉर्ड, रेबल, क्रू या गैंग? बताइएगा एक बार फटाफट, फटाफट बताइएगा जी। बिल्कुल हियर वी गो फॉर क्रू, देसी क्रू, देसी क्रू आपने पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर सुना होगा। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डरली पीपल, और जब ये घुमंतु लोग होते हैं तो ये हार्ड बोला जाता है, वैगाबोंड्स जो होते हैं, होता क्रू ही है, होता क्रू ही है, लेकिन ये घुमंतु होते हैं। रेबल, रेबिलियंस आपने सुने होंगे, है ना। गैंग बोले तो गैंग किस किस की होती है भाई? गैंग नेता लोगों की होती है, स्लेव्स लोगों की होती है, और चोर उचक्कों की होती है। देखो बनाने वाले ने भी कितना अच्छा करा है, चोर उचक्के की भी गैंग होती है, नेता की भी गैंग होती है, स्लेव्स की भी गैंग होती है। बिल्कुल, यानी कि स्लेव्स कौन हो गए, अब जनता हो गई, चोर उचक्के हो गए और फिर नेता हो गए, सबको गैंग बोला जाता है। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बनाया है। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ एग्स इज कॉल्ड व्हाट? क्लच, स्टैक, बैच या फेल? यहां पर फेल, ये फोल की सेकंड फॉर्म होती है, पहले बता देता हूं। फोल, फेल, फोलन होती है ना, सेकंड फॉर्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब गिराना भी होता है। क्या भाई? गिराना भी होता है। फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग एंड फेल्स, ठीक है, ये होती हैं इसके फॉर्म्स। वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। चलिए, ये आपने लगा दिया क्लच, बिल्कुल सही है। स्टैक किसका होता है भाई? ग्रेन का होता है या हे का होता है। बैच बोले तो मतलब कि बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पर जो प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रोडक्शन जिनका किया जाता है वो बैच बोला जाता है, चाहे वो बच्चों का हो या वो ब्रेड का हो या किसी का हो। फेल का मतलब गिराना होता है, तो ए ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। अ नंबर ऑफ एक्टर्स इज कॉल्ड व्हाट? अ नंबर ऑफ एक्टर्स, कंपनी, हॉर्ड, मॉब या क्राउड? बताइएगा फटाफट बताइएगा। 12:30 बजे से हमारा जो ये बैच है कंटिन्यूसली चल रहा है, और 2:06 का भी टाइम हो गया है। चलिएगा, आंसर आपने पहले दिया था आयुष, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं आपके आंसर्स। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए। कंपनी आपने लिखा है, बिल्कुल सही आपने लिख दिया है। हॉर्ड हमारा क्या होता है? क्रू होता है, लेकिन घुमंतु होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने वाले होते हैं उनको आइटिनरेंट भी बोला जाता है। आइटिनरेंट शब्द हमने याद करा था आईटी और रेंट से, आईटी कंपनी ने रेंट पर ले लिए वो लोग जो एक जगह से घूमकर दूसरी जगह पर काम के लिए जा सकते हैं। मॉब जो होती है वो हमारी भीड़ होती है, क्राउड भी हमारी भीड़ होती है, ठीक है। चलिए, कंपनी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपका आया है। 9th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आना चाहिए, आ ही गया है। चलिए, वन हु ड्रोज प्लान्स, वन हु ड्रोज प्लान्स, फ्रिटर, फ्लोरिस्ट, यूजर या नन? बताइएगा फटाफट, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई। वन हु ड्रोज प्लान्स इज कॉल्ड व्हाट?
फिटवर, फ्री में तार लगाना पूरे देश में काफ़ी खर्चीला काम है। फिटवर ये भी याद करा था हमने, फ्लोरिस्ट जो फ्लावर्स बेचता है। यूजर क्या होता है, मोटे ब्याज पे जो पैसे देता है, मोटे ब्याज पर पैसे देता है, ठीक है। चलिए, द स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड वॉट, बायोलॉजी, बॉटनी, उलझी या नन। इसको उलझी बोला जाता है भाई, उलोजी नहीं होता, उलझी बोला जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जवाब चल रहे हैं आपके, सही चल रहा है, उलझी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने लिख दिया भाई, उलझी। बायोलॉजी क्या होती है हमारी, बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है ना। बोटनी किसकी पढ़ाई होती है, वनस्पति की होती है। बायोलॉजी किसकी होती है, ह्यूमन की। उलझी अंडों की होती है। नन, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। टेंथ का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टेंथ का सी। अमित चहल के नाम से अभी कौन बैठे हैं एक बार बताइएगा, टेंथ का सी। चलिएगा, इसी के साथ में नेक्स्ट आपका जो सेट है लगा देता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर। सेट नंबर पे आ गए, नाइन्थ पे, फर्स्ट से शुरू हुआ था आज भी हमारा और नाइन्थ पे आ गए हम लोग। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट नंबर नाइन्थ, और फटाफट कर रहे हैं भाई, फटाफट। नया सेट इसके बाद में शुरू कर दूंगा नया सेट। चलिए, अ स्क्वायर कोर्टयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेंगल, मॉस्क, कैसीनो या मॉस्क, बताइएगा। मॉस्क दो बार आ गया यहां पर। अ स्क्वायर कोर्टयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेंगल, मॉस्क, कैसीनो या मॉस्क। नया सेट लगा देंगे भाई, लगा देंगे, नया सेट लगाएंगे बिल्कुल। डिम्पल ने जवाब लगा दिया है फर्स्ट का ए। चलिए, बिल्कुल आप लोगों ने जो जवाब लगाया है, ओहो हो, दुर्भाग्य भाई, क्वाड्रेंगल बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है। मॉस्क हमारी मस्जिद होती है, कैसीनो एक पब्लिक बिल्डिंग होती है फॉर गैम्बलिंग, अ पब्लिक बिल्डिंग। चलिए, सेकंड आ गया अब स्क्रीन पर। अ लेडीज हैंड बैग और वर्क बैग इज कॉल्ड व्हाट, अ लेडीज हैंड बैग और वर्क बैग इज कॉल्ड व्हाट, क्रिएट, रेटिक्यूल, सेलर या डॉक। सेकंड का जवाब आने दो भाई फटाफट। फटाफट जवाब आने दो बालक और बालिकाओं। रेटिक्यूल इज राइट आंसर, रेटिक्यूल बिल्कुल सही जवाब है। क्रिएट क्या होती है, हमारी होटल्स के अंदर जो नमक की या जो मसाले की शीशी होती है उसको बोला जाता है। सेलर हमारा क्या होता है, बेसमेंट होता है। डॉग क्या होता है, एक प्लांट होता है या प्लांट के लीव्स होते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है उसको बोला क्या जाता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर। जवाब तो अच्छे लगा रहे हो, फटाफट लगा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवन, मेडिसिन जहां पर दी जाती हैं, ठीक है। अगर बेची जाती हैं तो क्या बोला जाता है उसको, ड्रग स्टोर बोला जाता है। जो दवाइयों की दुकान होती है ना उसको ड्रग स्टोर बोलते हैं भाई हम। यहां पर डिस्पेंसरी इज द राइट आंसर, डिस्पेंसरी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या होता है, थर्ड वन, टायर्ड, हैगार्ड, ठीक है, टायर्ड या हैगार्ड होता है। डोमिसाइल होम, डिके अ टेन्योर ऑफ 10 इयर्स, 10 साल का जो अवधि होती है उसको डिकेड बोला जाता है। फटाफट करो और थोड़ा सा फटाफट कर लो, बड़ा ही अच्छा जवाब लगा रहे हो। फोर्थ आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर। द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ इज कॉल्ड वॉट।
चाय वैसे आज मैंने मंगवा ली थी। वुड लाइक टू हैव टी? अगर पीनी है तो उधर से पी लेना, फोन के अंदर से ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चलिए सुसाइड इज द राइट आंसर। रेव पार्टी होती है, म्यूजिकल पार्टी होती है, स्टोइक ऐसा पर्सन होता है, सन सब आऊगा, कुछ मिल जाए तो खुश नहीं होता है और कुछ अगर हानि हो जाए तो वो दुख नहीं होता है, उदासीन होता है बिल्कुल वो, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं भाई। चलिए सोलर प्रोसीडिंग टू सन इज कॉल्ड सोलर, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, तो एक बार जवाब लगा लीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी बाय बर्निंग, यहां पर आ गया बर्निंग। पहले क्या था? पहले बर्निंग नहीं था, आज बर्निंग है। यहां पर अभी बर्निंग आ गया है। डिस्पोजल ऑफ अ डेड बॉडी बाय बर्निंग इज कॉल्ड व्हाट? क्रैश, क्रीमेशन, कॉप्स या कॉटेज, बताइएगा फटाफट। चा फटाफट जवाब लगा लो यार, बात तो मैं इतना जल्दी मशगूल हो जाते हो ना। चलिए चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं। क्रीमेशन बिल्कुल सही आ गया है, क्रीमेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉप्स हमारी डेड बॉडी होती है, किसी राजा का अंतिम संस्कार जो होता है उसको कॉटेज बोला जाता है। फ्रेश हो गया ये फिर, यानी कि हॉस्पिटल फॉर ऑफन्स। चलिए अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबेट्स क्या बोला जाता है? ट्रूप, पोजी, स्वॉर्म या बैरन, कैमरे की बैटरी ब्लिंक कर रही है। हर्षिता सिंह कहां से नजर आए बेटे, मुझे तो दिखा नहीं है यार, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है बैटरी ब्लिंक करती हुई? देखिएगा एक बार, दिख रहा है क्या कहीं? कैमरे की बैटरी ब्लिंक कर रही है क्या? मुझे तो नजर नहीं आया बेटे अभी तक। सिक्स का ए तो यहां सही जवाब है आपका, ठीक है। पोजी क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स होता है। स्वॉर्म यानी कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स टुगेदर, इंसेक्ट्स फ्लाइंग टुगेदर इज कॉल्ड स्वॉर्म। बैरन अनप्रोडक्टिव होती है, बिल्कुल ठीक है ये। चलिए सेवेंथ आ गया भाई स्क्रीन पर, कैमरे की बैटरी के बारे में बताइएगा। आर आर पर, ये मुझे आर आर के ऊपर भी नहीं नजर आ रही भाई। अरे बेटा मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? कैमरे की बैटरी ब्लिंक कैसे कर रही है? हाँ हाँ हाँ, अरे ये मेरा फोन पीछे चल रहा था यार, बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हो, मेरा वीडियो पीछे चल रहा था। चलिए अक्वेंटिटी ऑफ ब्रेड बेक्स एट द सेम टाइम को क्या बोला जाता है? बैच बोला जाता है यहां पर, ठीक है भाई। ट्रस, ट्रायंगुलर शेप होती है किसी बीमार आदमी के बैठने के लिए। कैरिलोन क्या होता है? म्यूजिकल बेल्स को एक साथ रखा जाता है उनके ऊपर ट्यून प्ले करने के लिए। तो यहां पर बैच इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। चले गए टेन टेन कर लेते हैं, उसके बाद में बैटरी में चेंज करवा लेता हूँ। चलिए एट आ गया है, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? जवाब लगा लीजिएगा बोस एक बार, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल भाई आपका जवाब सही है, मेरा वीडियो पीछे चल रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था यार। चलिए अभी अभी ठीक आ गया है। लाइब्रेरी, एट का सी आपने लगा दिया है, एट का सी इज द राइट आंसर। बेंच इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ जजेस और बिशप्स। पोजी इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स। बबी बोले तो अ नंबर ऑफ पिकॉक्स, ठीक है भाई। चलिए
नाइन्थ पे आ गए भाई, एक बार फटाफट बताइएगा। वन हु डील्स इन फर्स, फर के बने कपड़ों के अंदर जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं, फरियर, ग्लेजियर या मैसर या फिर नन। बताइए नाइन्थ का। बिल्कुल भाई, फरियर इज द राइट आंसर। ग्लेजियर जो होता है ये ग्लास का वो करता है भाई, शीशे के अंदर डील करता है। मैसर जो होता है ना ये मसाज करने का यंत्र होता है, मसाज करने का यंत्र होता है। नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। टेंथ की तरफ आ जाओ, देखा कितने सारे सेट्स कर लिए हैं आज हमने, 12:30 बजे से कंटिन्यूसली हम लोग लगे हुए हैं। मर्डर ऑफ अ सिस्टर, बहन का जो मर्डर होता है उसको क्या क्या बोलते हैं। जब ये मर्डर के बारे में बता रहा था सबकी, तो वहां बहन का भी मैंने बताया था। चलिए, सुसाइड, रैकबिम, सोरोरी साइड या नन, फटाफट आने दो भाई। साइड का मतलब किलिंग होती है, सुसाइड खुद की किलिंग होती है, सोरोरी साइड बहन की किलिंग होती है। बिल्कुल सही जवाब है। रैक्विम क्या होता है, म्यूजिक कंपोज किया जाता है किसी डेड पर्सन के सम्मान में, उसको रैक्विम बोला जाता है। ये 2 बार आपने मुझसे कल पूछा था। चलिए राजन, रमेश राजन, इंदु, आई एम बैक, वेलकम बेटे। नया सेट लगा देते हैं, लेकिन अभी मैं एक बार बैटरी चेंज करवा देता हूँ, ठीक है ना मनीषा, एक सेकंड रुकिएगा बस। नया सेट लगाना है या कौन से वाला करना है, एक बार ये भी आप मुझे बताइएगा। सेट नंबर 10th करना है या 12th करना है। 12th लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर, जाओ क्या याद रखोगे। बिल्कुल नया सेट आ गया है, बिल्कुल आराम से होगा भी, लेकिन फटाफट नहीं होगा भाई। मनीषा चलिए, सेट नंबर 12th आ गया अब स्क्रीन के ऊपर। सर विच सेट इज दिस, बैटरी चेंज अभी करवा देता हूं बस, अभी आवाज लगाई है मैंने। अरे भाई कहां चले गए हो, न्यू सेट। 90 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, मैडम शायद ऊपर हैं। और आने दो भाई, आने दो, आने दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेट नंबर 12th इज देयर। जब तक मैडम आती हैं तब तक देख लेते हैं। देखिएगा, अ ड्रॉइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर इज कॉल्ड व्हाट। चलेगा, सेट नंबर 11th इज राइट हियर। कैमरे की बैटरी, हाँ भाई अभी मुझे दिख गया है, लेकिन अभी कोई चेंज करने वाला है नहीं, और मैं बुजुर्ग हो गया हूँ यार, मेरे से उठा नहीं जाएगा अभी। तो एक बार कोई नहीं, जवाब लगा लो यार फटाफट, है ना, तब तक मे भी कोई आ जाएगा, फटाफट जवाब लगा लो। अ ड्रॉइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर इज कॉल्ड व्हाट, रेड प्रिंट, ब्लू प्रिंट, निगेटिव या ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल नया सेट आ गया है, बिल्कुल नया सेट आ गया है, ठीक है। लब्बे बेटे, तेरी मम्मी को बुला के ले जा, तेरी मम्मी को बुला ला एक बार। बच्चा अभी 5 बार तो अभी पूछ रहा है, बुला के लाऊं, सच्ची में लाऊं। फोर्थ आपने लगा दिया है मैडम, बैटरी चली गई, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड पहले इसको ऑफ कर लीजिएगा। वेट, एक बार मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ, तो यहीं पर आप बने रहिएगा, मैं मिस्टर इंडिया हो जाता हूँ एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं अभी 1 मिनट के बाद, थैंक यू। चलिए, मेरी आवाज़ तब तक आपको सुनेगी डेफिनेटली, तो जब तक ये बैटरी चेंज हो रही है इसकी। और रेड प्रिंट कुछ नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रेंक, अगर मैं बात करूं रेड प्रिंट की, तो भाई रेड प्रिंट तो नहीं होता, हाँ ब्लू प्रिंट होता है कि किसी भी चीज़ का खाका तैयार किया जाता है अपने माइंड में। क्या भाई, किसी भी चीज़ का अपने माइंड में खाका तैयार किया जाता है, तो हम उसको ब्लू प्रिंट बोल देते हैं, ठीक है। इंक फिर से मैं एक बार दूसरी ले लेता हूँ। बिल्कुल भाई,
किसी चीज का जो खाका तैयार किया जाता है अपने माइंड में उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है, और नेगेटिव हमारा नकारात्मक होता है, तो ट्रांसपेरेंसी इज कॉल्ड द राइट आंसर। यानी कि जो आपने यहाँ सही जवाब दिया है वो ट्रांसपेरेंसी बोली जाती है। अभी बस मैं आपको देखना शुरू हो जाऊंगा, थोड़ा सा हल्का से इधर करिएगा, एक सेकंड रुकिए, देखने दीजिएगा मुझे। मैं अभी तक वैसे नजर आया नहीं हूँ, लेकिन अभी आ जाऊंगा। चलिएगा चलिएगा, तो यहां पर जो ट्रांसपेरेंसी था वो बिल्कुल सही जवाब था, ए ऑप्शन। हाँ आ गया हूं मैं, थोड़ा सा दिखाइएगा मुझे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा सा और करिए, और कर लीजिए, जूम आउट करिएगा थोड़ा सा और कर दीजिए, बस। थैंक यू लेकिन 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 शायद मैं ठीक ठीक ठाक होगा शायद, जूम इन कर दो और कर दो और कर दो, करिए ज्यादा हो गया। बस ठीक है, थैंक यू मैडम। अभी था कौन से इस पे, तो चलेगा गाइस। तो अभी सारा सब कुछ सेट हो गया है और हम लोग वापस आ गए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इज राइट आंसर राइट हियर। फर्स्ट का जो ऑप्शन था, चलिए चलिए बिल्कुल सही जवाब था। अभी हियर वी गो फॉर सेकंड क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ गया है, एक बार देख लीजिएगा। और बिल्कुल भाई चलिए, टू डिनाउंस इन थंडरिंग टॉन्स, डिनाउंस वर्ड हमने याद करा था दिन में अनाउंस, ठीक है। चलिए थैंक यू चलेगा, टू डिनाउंस इन थंडरिंग टॉन्स, यानी कि थंडरिंग टॉन्स में किसी चीज की निंदा करना है, इज कॉल्ड व्हाट, फुलमिनेट, इरेडिकेट, डिवेस्टेट या फिर डिसक्रेट, बताइएगा एक बार फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, फटाफट आने दो भाई, सेकंड का डी आपने लगा दिया है, सेकंड का डी आपने लगा दिया, लेकिन मुद्दे की बात यह है, सेकंड का डी की बात करें तो ये इरेडिकेट है, इरेडिकेट वर्ड हमने याद करा था, इरादे और कैट के, इरादे कैट के बड़े खतरनाक थे इसलिए हमने उसको अपने से अलग कर दिया, या जड़ से उखाड़ फेंकना इज कॉल्ड इरेडिकेट, फुलमिनेट इज कॉल्ड द राइट आंसर, डिस्क्रेट जो है ये किसी चीज की पवित्रता भंग करना होता है, ठीक है। अभी डिवेस्टेट क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में करिए, कमेंट सेक्शन में डाल करके, डी नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नहीं माफ करिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन फुलमिनेट फुलमिनेट। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वॉटर इज कॉल्ड व्हाट, बताइएगा, पैरासाइट, एम्फीबियंस, एम्फेमरल या मिरेकल। नवीन कुमार हेलो सर, हेलो जी, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, क्या हुआ, ब्लैक शोर है क्या, ब्लैक शोर है,
क्या शो हो रहा है? ब्लैक ब्लैक अरे भाई स्लाइड्स को थोड़ी सी पीछे कर दो, फिर नहीं होगा। चलेगा, थोड़ा सा पीछे ले जाओ। पैरासाइट कौन होता है? पैरासाइट आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कुछ, अपने ऐसे होते हैं जो जीवाणु कीटाणु विषाणु होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, ठीक दिख रहे हैं? अरे एम्फीबियंस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है। क्लास तो सेट तो पूरा करूंगा अभी नहीं, सेट तो ऐसा लग रहा है अभी ये हमें खत्म करना पड़ेगा शायद। कोई प्रॉब्लम शायद हमने यहाँ क्रिएट कर दी है इसके अंदर, और ये हमें चेक करना पड़ेगा अभी। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 12:30 बजे से ये क्लास हमारी कंटिन्यू थी, और 12:30 बजे से बड़े अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हो, यानी कि कंप्लीटली 2 आवर्स की हमारी क्लास हो गई है। एक इसी नए सेट के साथ में दोबारा हम शुरू करेंगे महामैराथन। ठीक है, अभी 2 घंटे की क्लास ऑलरेडी हमारी हो गई है, और अभी मेरा भी शरीर जवाब दे गया है। तो नाइट को, नाइट में हम लोग करेंगे ग्रामर का कोई टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे, और 6 बजे के आसपास होगा आज 10th क्लास के लिए चैप्टर। तो आज इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, और महामैराथन का जो सेकेंड पार्ट था ये हमारा 2 घंटे का हुआ है। कल हमने लगभग 2.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, और इसके बाद में महामैराथन जैसे भी हम शुरू करते हैं लगभग डेली चलेगा, किसी एक टॉपिक को लेकर। हर बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं चलेगा। तो इसकी सेटिंग वगैरह देख लेते हैं कैमरा साहब की। कैमरा साहब शायद रुष्ट हो गया है, कल और आज ये लगातार कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। तो भाई मिलते हैं लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग। वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश ब्रिसामी, राइट हियर। आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग। जस्ट कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। आई विल मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग। मे लक स्माइल ऑन यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, टाइम से पहुंचा करो यार, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।